आज के इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत और बाकी जितने भी आर्ट, साइंस और कॉमर्स की जितनी भी फैकल्टीज हैं और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी कॉलेजेस हैं, जिनमें गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर और MS खालसा गर्ल्स कॉलेज निसिंग करनाल, राजीव गांधी ST कॉलेज नरवाना, DAV कॉलेज पिहोवा, MPN कॉलेज मुलाना, बार जनता कॉलेज कौल, RKST कॉलेज कैथल, DAV कॉलेज नन्यौला, MMD गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पंचकूला, ST महाविद्यालय नरवाना, CS कन्या महाविद्यालय पुंडरी, आर्या गर्ल्स कॉलेज अम्बाला कैंट, महाराजा अग्रसेन कॉलेज जगाधरी, गुरु नानक खालसा गर्ल्स कॉलेज खालसा कॉलेज करनाल और सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज अम्बाला, DAV कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर, DAV कॉलेज चीका, DAV सेंटेनरी कॉलेज फरीदाबाद और चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय ढांड कैथल, ये हमारे साथ कुछ ही दिनों में जुड़े हैं चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय ढांड के कॉलेज। तो इनका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और शेष अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी की ओर से मैं आप सभी का आज के इस परिचर्चा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए और कुछ क्षण हम लोग अपने समय सीमा से पीछे चल रहे हैं, तो मैं सीधे विषय की ओर ही अग्रसर होता हूँ। विषय आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि संस्कृत शास्त्रीय काउंसलिंग टेक्निक्स एंड देयर एप्लीकेशन इन 21st सेंचुरी, संस्कृत शास्त्रीय परामर्श पद्धतियां एवं 21वीं शताब्दी में उनकी प्रयोग परखता। ये बात बिल्कुल सही है कि काउंसलिंग टेक्निक्स आपको अपनी परंपरा में देखने को मिलते हैं, लेकिन हमने कभी भी उनको प्रासंगिक और उपयोगितापूर्ण बनाने का औपचारिक रूप से कभी कोई प्रयास नहीं किया, और विशेष रूप से हम संस्कृतज्ञों ने जिनका ये दायित्व था। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो परामर्श शब्द है ये मूलतः न्याय दर्शन का शब्द है, जिसकी परिभाषा की जाती है पक्ष धर्मता, जो है कि विपक्ष धर्मता में जो विद्यमान रहता है उसको परामर्श कहते हैं और अनुमान में इसका प्रयोग होता है। तो लेकिन यहाँ पर परामर्श को हम केवल काउंसलिंग के अर्थ में ले रहे हैं, जहाँ एक दूसरे के साथ मशविरा, एक दूसरे को परामर्श देना, सलाह देना, जैसे कि आप देखेंगे आगे की चर्चा में इन सब बातों को, तो उसको हम केंद्रित करेंगे। तो कार्यक्रम का आरंभ हम यहाँ से करेंगे कि शुरू में 10 मिनट के करीब संस्कृत डिपार्टमेंट की ओर से इस सारे विषय का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे, और ये भी साझा करेंगे कि हम कितना जानते हैं और उसके आगे हम कितना और जानना चाहते हैं। और इस सब में निर्देशन के लिए, मार्गदर्शन के लिए हमने बड़े विनम्र भाव से निवेदन किया था प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी, जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के, और साथ ही साथ वो फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे हैं, और हमेशा उनका जो हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है वो अकल्पनीय है, और उनके प्रति जितना हम आभार व्यक्त करें वो कम ही होगा। क्योंकि मैं जिस तरह से उनसे बात कर लेता हूँ, और बल्कि अधिकार पूर्वक, ये अधिकार उनका दिया हुआ है कि अधिकार पूर्वक जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो विनम्रता पूर्वक उस अधिकार को स्वीकार करते हुए हमारा सम्मान करते हैं। तो मैं जितने भी उनकी प्रशंसा में शब्द कहूँ वो कम ही होंगे, और आप में से अधिकांश लोग उनसे परिचित ही हैं, उनकी उपलब्धियाँ निश्चित रूप से बहुत अधिक हैं, उन सबको गिनाने का यहाँ पे कोई मुझे लगता है कि अभी प्रयोजन नहीं है। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, कई प्रोजेक्ट्स उन्होंने किया है, देश विदेश की यात्राएं की हैं, और कई तरह के सोशल साइंसेस में उन्होंने प्रयोग किए हैं, और कई कंसल्टेंसीज में, ICSSR में, और इस तरह की कई जो संस्थाएं रहे हैं उनके वो परामर्श मंडल में रहे हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और बड़े विनम्र भाव से उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ये कार्यभार आज का स्वीकार किया है हमें मार्ग निर्देशन देने का, और हम जो इधर उधर भटक जाते हैं उसको वो सही दिशा देने के लिए आज हमारे बीच में विद्यमान है। इसके बाद हम ओपन हाउस डिस्कशन, उनकी चर्चा के बाद, उनके
मार्गदर्शन के बाद हम ओपन हाउस डिस्कशन रखेंगे। जो भी चर्चा टिप्पणी आप लोग करना चाहें, जानना चाहें, उस पर हम बात करेंगे। और लास्ट में, अंत में जो है, वोट ऑफ थैंक्स डॉक्टर अमिता रेडू, जो कि हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत और कन्वीनर हैं इस सेमिनार की, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर से, वो इसमें उपस्थित हैं और वो वोट ऑफ थैंक्स जो हैं वो प्रपोज करेंगी। तो चलिए विषय की ओर अग्रसर होते हैं। बहुत संक्षेप में आप स्क्रीन पे देख लीजिए, क्योंकि ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ काउंसलिंग है। इसमें परामर्श शब्द से जो आप सामान्य रूप से समझते हैं, वहां पर काउंसलिंग को जो प्रोफेशनल तरीके से लिया जाता है, उसकी जो प्रोफेशनल परिभाषा है वो है परामर्शदाता और ग्राहक के बीच एक सहयोगी प्रयास है। सामान्य रूप से, सामान्य भाषा में वहां की जो प्रोफेशनल भाषाएं हैं, पेशेवर परामर्शदाता ग्राहकों को उन समस्याओं और लक्ष्यों और संभावित समाधानों की पहचान करने में मदद करते हैं जो भावनात्मक उथल पुथल का कारण बनती हैं, संचार और मैथुन कौशल में सुधार करना चाहते हैं, आत्मसम्मान को, सेल्फ एस्टीम को मजबूत करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और व्यवहार परिवर्तन और इष्टतम मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो सामान्य रूप से ये वहाँ की बेस्ट की परिभाषा है। और इस बेस्ट की परिभाषा के पीछे जो आप ध्यान देंगे, अगर उनके इतिहास को देखें, और विशेष रूप से जब ये वियतनाम वॉर हुई है तो उसके बाद जो उनके फौजी आर्मी के लोग वापस आने शुरू हुए हैं, बहुत डिप्रेशन में, पूरे का पूरा उनके जो मानसिकता विकृत हो चुकी है, तब उनकी जो प्रोफेशनल काउंसलिंग की गई है रिहैबिलिटेशन के लिए और सब चीज़ों के लिए, ये तब से जो काउंसलिंग टेक्निक्स हैं वहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट हुई हैं। और धीरे धीरे जो है, उसके बाद जितना भी कॉरपोरेट सेक्टर है, उन कारणों के बारे में हम अलग से बात करेंगे कि ये काउंसलिंग टेक्निक्स इतने प्रोमिनेंस में, इतने इसका जो उभर कर ये सामने आया है, उस सारे के ऊपर हम चर्चा लेंगे। साथ ही साथ हमें ये भी समझ लेना होगा कि काउंसलिंग टेक्निक्स क्या नहीं है, काउंसलिंग क्या नहीं है। नहीं तो सामान्य रूप से हम समझ लेते हैं कि हमने जैसे किसी को सलाह दे दी है, किसी को हमने समझा दिया है कि भाई तू ये कर ले या वो कर ले। तो काउंसलिंग इज नॉट गिविंग एडवाइस और बींग जजमेंटल, अटेम्प्टिंग टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइंट, कि आपने कोई समस्याएं समाधान नहीं कर देनी है, एक्सपेक्टिंग और एनकरेजिंग अ क्लाइंट टू बिहेव इन ए वे विच द काउंसलर मे हैव बिहेव्ड व्हेन कन्फ्रंटेड विद सिमिलर प्रॉब्लम्स इन देयर ओन लाइव्स। या ये भी नहीं है काउंसलिंग गेटिंग इमोशनली इन्वॉल्व्ड इन द काउंसलिंग, या ये भी नहीं है लुकिंग एट क्लाइंट्स प्रॉब्लम फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव। तो ये सारा काउंसलिंग के बीच में नहीं आता, कृपया इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसलिए, और ये कुछ एक बातें हैं जो आप नेट पे तो ढूंढ सकते हैं, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है, मुझे उस विषय पे कोई चर्चा नहीं करनी है कि आप लोग जो है ये सारा मैं पढ़ के सुनाऊं, आप लोग इसको नेट पे देख सकते हैं। जो नेट पे आप नहीं देख पाएंगे, मैं उसके बारे पे फोकस करना चाहता हूं अगले 5-7 मिनट में। ये सारी चीजें आप नेट पे देख सकते हैं, काउंसलिंग स्किल्स क्या हैं, काउंसलिंग की जरूरत क्यों है और कैसे करनी चाहिए। लेकिन जो हम संस्कृत के पक्ष को लेना चाहते हैं, अपनी परंपरा के पक्ष को लेना चाहते हैं, वहां पर हम काउंसलिंग को कैसे देखें, कैसे समझें, ये पक्ष मैं आप लोगों के साथ अगले 5 मिनट में साझा करना चाहता हूं। और उसके बाद फिर हम आज के मुख्य वक्ता को आमंत्रित करेंगे। Why counseling and who needs counseling as per Sanskrit Shastras? तो सबसे पहली बात है कि आप इस स्लाइड में सबसे नीचे देखें तो यहां पर दुख को एक मूलभूत कारण माना गया है जहां पर काउंसलिंग की आवश्यकता है। और ये दुख आप सभी लोग जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कौन से? आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। कि आपको भूतों से मिलने वाले जो हैं, जो प्रकृति से मिलने वाले दुख हैं, आध्यात्मिक आपके शारीरिक और मानसिक दुख होते हैं, जिसे आधि व्याधि भी आप कह सकते हैं, और आधिदैविक वो ऐसे अननोन रीजंस जिनके कारण आपको दुख अक्सर मिला करते हैं। अब इनका एक तो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं आज के युग में, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 पक्ष आपके सामने रखे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, कि एक और तो आपकी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जिनकी वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं,
वो कौन सी है? फ्रीडम, लिबर्टी, राइट्स आदि आदि, फंडामेंटल राइट्स और जितनी भी सारी चीजें हैं वो इसकी, वो एक अपने आप में कारण है, क्योंकि हम लोग जिस रूप में रहते आए हैं, हमारी परंपरा जिस रूप में रही है, हमारी सभ्यता और संस्कृति के जो मूल्य रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ तालमेल नहीं खाते। और आज का बच्चा जब आपसे फ्रीडम डिमांड करता है तो एक पिता होने के नाते, एक माता के नाते, आप उसको उस तरह की फ्रीडम नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं कि वो एक समझ के साथ जिए, और वहां पर एक तनाव बनने लगते हैं, एक दुख पैदा होता है, और वहां पर आपको काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। और एक कारण और भी है कि ये फ्रीडम केवल फ्रीडम प्राप्त करना नहीं है, इस फ्रीडम का यूज कैसे करना है ये भी काउंसलिंग का एक पक्ष है भारतीय परंपरा में। तो ये सिखाना बहुत आवश्यक है कि फ्रीडम का करना क्या है, उसको प्रयोग कैसे करना है। दूसरी बात जो हमारे देखने और समझने वाली बात है, नीचे आप एक्स एक्सिस पे देखिए, इंडस्ट्रियल और कॉरपोरेट कल्चर है जिसमें आपको गुड और स्मार्ट और डायनेमिक किस्म के लोग मिलते हैं जो बहुत तेजी से काम करते हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स लाके देते हैं और इस बात से मोटिवेटेड रहते हैं कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, और कुछ करते करते फिर धीरे धीरे जो है उनके ऊपर एक थकावट हावी होने लगती है और वो धीरे धीरे अस्वस्थता में चले जाते हैं, विकृतता में चले जाते हैं। तो उनको परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, एक तो कारण ये है, और परामर्श से फिर स्वस्थता को हम प्राप्त करते हैं। और इस तरह की परामर्श के कई उदाहरण हमें अपनी परंपरा में देखने को मिलते हैं जिसकी मैं चर्चा अभी आपसे करूंगा, लेकिन उससे पूर्व दो तीन बातें और देख लीजिए कि इस परामर्श और तनाव का कारण क्या होता है जिसकी वजह से हमें परामर्श की आवश्यकता होती है। मूलभूत रूप में संस्कृति ये स्वीकार करती है कि आप हर चीज के केंद्र में है, केंद्र में मनुष्य है, आपका अस्तित्व है, और आप पर दबाव किस चीज का पड़ता है, आपके उपलब्धि का दबाव डाला जाता है कि आप, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ करके दिखाना है, तो आप अपना होना और आपकी उपलब्धियां, इनके बीच में आपके कई तरह के द्वंद्व पैदा हो जाते हैं कि आप होने के अतिरिक्त कुछ करके दिखाना चाहते हैं, उपलब्धियों से पहचाने जाना चाहते हैं, तो आपके लिए समस्याएं पैदा होती हैं, आपके मनोविकार पैदा होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, किन कारणों से पैदा होते हैं, वो चार कारण हमें अपनी परंपरा में देखने को मिलते हैं। एक तो जो है भावनात्मक द्वंद्व, जिसे इमोशनल क्राइसिस कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल क्राइसिस, जिसकी वजह से हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है कि ओवर इंटेलेक्चुअलाइज जब हम चीजों को कर लेते हैं तो हम जीवन में से सुख खो देते हैं। और तीसरा जो कारण है वो है कार्मिक द्वंद्व, कि आप जो कहते हैं वो कर नहीं पाते और जितना करना अपेक्षित होता है वो भी नहीं पूरा कर पाते ढंग से, तो कार्मिक द्वंद्व भी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और फिर एक और जो आज के युग का सबसे बड़ा कारण है वो है भाषाई अतिचार, कि मिसयूज, ओवर यूज ऑफ लैंग्वेज जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहा है, इसलिए हमें परामर्श की, काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। और ये बात आप स्कूल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से मीडिया हमारी भाषा को जो है परिभाषित कर रहा है और हमारे व्यवहार को परिभाषित कर रहा है। संस्कृत शास्त्र के आधार पर आप इसका एक वैल्यूएशन मेथड देख सकते हैं कि अगर आपने किसी की काउंसलिंग करनी है तो आप उस व्यक्ति की जिसकी आपने काउंसलिंग करनी है, जिसको आपने परामर्श देना है, वो सेंटर में रख करके उसकी लैंग्वेज को आप पहले जाने, काउंसलिंग करने से पहले उसका मूल्यांकन करें, उसके कर्मों का मूल्यांकन, उसके फ्रीडम के यूज का, उसके जो धर्म है, उसके जो काम करने की कैपेसिटीज, उसकी सेंसिबिलिटी जो है काम करने के लिए ड्यूटीज के प्रति, उसके रिलेशनशिप को, उसके थॉट प्रोसेस को, उसके इमोशंस को और उसके नॉलेज के लेवल को, इन सबको आप जानेंगे। उसको जानने का तरीका क्या है कि उसको आप 16 के स्केल पर उसको एवेल्युएट करेंगे। वो एवेल्युएट करने के तरीके अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से एक व्यक्ति जो कि परामर्श लेने के लिए आया है, जो पीड़ित व्यक्ति है, अस्वस्थ व्यक्ति है, उसका कोई भी व्यक्ति जो परामर्श देने वाला है वो उसका मूल्यांकन करेगा और 16 के स्केल पे मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन करने के बाद फिर जो है वो उसकी काउंसलिंग शुरू करेगा। वो काउंसलिंग कितने प्रकार की है उसको मैं अभी आपसे बात करता हूं और उसके बाद मुख्य वक्ता को मंच पर आमंत्रित करता हूं। मैं इस
स्लाइड को अभी छोड़ रहा हूं, इसको मैं बाद में लूंगा। ये विशेष रूप से स्लाइड है कि संस्कृतज्ञों को काउंसलर बनने की क्यों आवश्यकता है और क्यों उन्हें नहीं बनना चाहिए। उन्हें आवश्यक रूप से काउंसलर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी इस दायित्व को स्वीकार ही नहीं किया। और ये जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, इसमें जो है इन हमारे लिए बहुत बड़ा स्कोप है कि हम काउंसलर का एक प्रोफेशनल रोल संस्कृत के लोग जो हैं वो स्वीकार करें। लेकिन इस स्लाइड को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी जो मैं आपसे मुख्य रूप से बात करना चाहता हूं वो ये है कि संस्कृत परंपरा में या हमारी ज्ञान परंपरा में 5 पद्धतियां हैं काउंसलिंग करने की। पहली पद्धति जो आप देख पाते हैं, पहली पद्धति तो है गीता की पद्धति, जो कि विषाद को लेकर के है, जो कि आप सभी जानते ही हैं कि वहां पे अटल डिप्रेशन में जो है वो अर्जुन चले जाते हैं और वहां पर जो है वो गीता जो है वो उसका एक टेक्निक है। दूसरी जो टेक्निक है वो हमें मिलती है योग वशिष्ठ ग्रंथ से। उसकी योग वशिष्ठ की पद्धति है कि जो एडोलसेंट एज में जाकर के बच्चों को डिप्रेशन आता है, उनका दिल नहीं लगता है, उचाटपन आ जाता है, उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है। तीसरा जो त्रिपुरा रहस्य है, ये एक तीसरी पद्धति है हमारी परंपरा की। इसमें किस तरह से एक पत्नी, एक स्त्री अपने पति की काउंसलिंग करती है, जो कि अलग अलग ज्ञान के भ्रम में पड़ जाता है, मति भ्रम हो जाता है, बार बार जो है वो भावनाओं में बह जाता है और यथार्थ से दूर हो जाता है, तो वो त्रिपुरा रहस्य 36 स्टेप्स में वो काउंसलिंग का टेक्निक देती है। बहुत खूबसूरत ग्रंथ है और सामान्य लोग रूप से लोग इसको नहीं जानते। चौथा जो स्तर है वो है दुर्गा सप्तशती का पद्धति है, जहां पर एक राजा और एक व्यापारी जो है वो दोनों ऋषि के पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, क्योंकि दोनों ने कुछ ना कुछ खोया है और वो उस दुख से मुक्त नहीं हो पाते और जिन लोगों से अपमानित हुए हैं वो उन्हीं के बारे में केयर कर रहे हैं, तो वहां काउंसलिंग किस तरह से है। ये चौथी पद्धति हमें अपनी परंपरा में मिलती है, लेकिन हमने इन पद्धतियों का कभी प्रयोग करने का सोचा ही नहीं, हम तो केवल इनको धार्मिक ग्रंथ ही मानते रहे। पांचवी और अंतिम जो सबसे रुचिकर है और सब जगह लागू होती है वो पंचतंत्र और हितोपदेश की पद्धति है, जहां पे 3 मूर्ख राजकुमार जो हैं उनको एक पंडित जो है वो काउंसिल करके, कथाओं के माध्यम से काउंसिल करके जो है वो उनको मार्ग सुझाता है और उनको व्यवहार योग्य बनाता है, उनमें सेल्फ एस्टीम की भावना बढ़ता है और वो आने वाले समय में राज के योग्य जो है, राज कार्य को देखने के योग्य हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इन 5 पद्धतियों के ऊपर हमने प्रयास किया है, चर्चा को फोकस करने की कोशिश करेंगे, बाद में चर्चा लेंगे, अभी तो डॉक्टर साहब से हम दिशा निर्देश लेंगे इस सारे विषय के ऊपर। तो ये ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों पर हमें ध्यान देना चाहिए, इनको हमें प्रयोग में लाना चाहिए, दैनंदिन व्यवहार में लाना चाहिए। और ये सारे तरीके हैं कि ऋषि वशिष्ठ ने राम को जब डिप्रेशन होता है योग वशिष्ठ में, वो किस तरह से उसकी काउंसलिंग करते हैं, ये पढ़ने की जरूरत है। कृष्ण अर्जुन को किस तरह से वॉर सिचुएशन में उसके विषाद को हैंडल करते हैं, कहीं कोई उत्तर नहीं देते, वो प्रश्न कुछ करता है, कृष्ण उत्तर कुछ और देते हैं, लेकिन लोग उसको जो है वो प्रश्न उत्तर रूप में देखते हैं, वो प्रश्न को कैसे हैंडल करते हैं ये देखने वाली बात है। और फिर ऋषि सुमेधा, राजा सुरथ और जो बिजनेसमैन वैश्य समाधि है, वो जब कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है और अपने अपमान तिरस्कार के बावजूद वो अपनी परिवारों के प्रति कमिटेड हैं, उनको वो किस तरह से काउंसिल करने के लिए प्रेरित करते हैं, कैसे काउंसिल उनको करते हैं। फिर उसके बाद जिसकी मैंने चौथे नंबर पे त्रिपुरा रहस्य की चर्चा की है कि वहाँ हाउसवाइफ हेमलेखा है जो अपने राजा पति हेमचूड की काउंसलिंग करती है। 36 स्टेप्स हैं और कमाल की बात है कि जिस स्त्री को हम पता नहीं क्या समझते हैं, कभी उसको महत्व ही नहीं दिया है, वो यहाँ पर आप पढ़ करके कभी देखिए कि कैसे, कितना लॉजिकल और कितना सहज और स्वाभाविक रूप से वो अपने पति की काउंसलिंग करती है और पति को बिल्कुल एक मुक्ति के द्वार तक वो ले आती है, एक बैलेंस्ड ह्यूमन बींग, सेंसिबल ह्यूमन बींग ले आती है। और अंतिम जो बात मैंने आपसे कर ही ली थी कि जो पंडित विष्णुदत्त हैं पंचतंत्र में, वो 3 जो कुमार हैं, अनंत शक्ति, उग्र शक्ति आदि, उनकी वो किस तरह से काउंसलिंग करते हैं, वो सारी चर्चाएं हम एक उनको एक व्यवहारिक रूप देना चाहते हैं, लेकिन वो व्यवहारिक रूप दें कैसे,
उसको किस तरह से हम प्रयोग में लाएं, इन सब बातों को जानने और समझने के लिए हमने आज प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी से निवेदन किया है कि वो हमें उपदेश करें, हमारा मार्ग निर्देशन करें और हमें बताएं कि इस सारी व्यवस्था को हम व्यवहार में कैसे ला सकते हैं, क्योंकि अब तो मौका है कि इस नेशनल पॉलिसी ऑफ न्यू जो पॉलिसी एजुकेशन की है इसमें हम ये परिवर्तन ला सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुख्य वक्ता को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो अपना विषय प्रवर्तन करें। सर धन्यवाद आशुतोष जी, मैं आप सबका जो भी आज इस आयोजन से जुड़े हुए हैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि आज के जीवन की एक प्रमुख समस्या पर आज आशुतोष जी ने चर्चा के लिए हम सबको एक अवसर उपलब्ध कराया है और इसके लिए मैं उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। वो एक सारस्वत यज्ञ संपादित कर रहे हैं और नए नए विषयों, नए नए पक्षों को लेकर हम सबको इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भारतीय मूल के चिंतन में हम उन तकनीकों, विचारों, पद्धतियों की ओर अपना ध्यान दें जो आज के समय में भी उपयोगी हैं। आज जो विषय को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं वह परामर्श या काउंसलिंग है। आज समाज में इस बात की लगभग हर क्षेत्र में जो नगरवासी हैं और कस्बों में रहने वाले लोग हैं वो इस शब्द से परिचित हो चुके हैं कि काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग के नए नए रूप हैं, विद्यालय में प्रवेश होता है तो कहा जाता है वहाँ भी काउंसलिंग हो रही है, तो भिन्न भिन्न अर्थों में काउंसलिंग का उपयोग किया जाता है। जिस परामर्श और काउंसलिंग की चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं वह वस्तुतः एक मानसिक उपचार के विशेष रूप को व्यक्त करता है। मैं यह ध्यान इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि परामर्श जिसे हम काउंसलिंग के अनुवाद के रूप में ले रहे हैं उसी के साथ एक और जुड़ा हुआ है जिसे हम थेरेपी कहते हैं, उसकी हिंदी मनोचिकित्सा के रूप में लोग प्रयोग में लाते हैं। तो थेरेपी और काउंसलिंग ये दोनों मानसिक उपचार के अवयव हैं और इनसे भी थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो उसको साइकियाट्री के परिधि में ले जाते हैं। तो परामर्श, काउंसलिंग, और काउंसलिंग के साथ एक और शब्द प्रयोग में आता है गाइडेंस, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, थेरेपी और फिर साइकियाट्रिक उपचार, जो साइकियाट्री में जो एमडी किए रहते हैं वही उन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं और उन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं जो कि मानसिक विकारों और कष्टों को दूर करने के लिए उपयोग में आती हैं। तो ये सारा आयोजन पश्चिम के ज्ञान की परिधि में आयोजित होता रहा है। एक शब्द हम लोगों के साथ शुरू से ही जुड़ गया, वो था दुख, और वह दुख जो है वह मूल कारण है और उसको दूर कैसे किया जाए इसका एक व्यापक संदर्भ है जिसमें काउंसलिंग की पद्धति का उपयोग हम करते हैं। तो यह दुख किन कारणों से होता है उसके मुख्य तीन प्रकार हमारे समक्ष आशुतोष जी ने रखे, कोई उसमें विवाद नहीं है। परामर्श की जो पद्धति प्रयोग में आ रही है, जो पश्चिमी ज्ञान के ऊपर आधारित है,
वह मनुष्य के भौतिक सामाजिक रूप को ही अपनी परिधि में रखती है और अन्य जो चीजें हैं उनको भी वह उसी में अनुवादित करके उसी के अंश के रूप में ग्रहण करती है कि यह एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक प्राणी है और उसमें कहीं पर अव्यवस्था हुई है और समाज के साथ जो संबंध है वह बिगड़ा है और उसको सुधारने की आवश्यकता है। मैं आरंभ में थोड़ा सा काउंसलिंग का जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक स्वरूप है उधर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। उसमें ये कहा गया है कि यह एक हेल्पिंग प्रोफेशन है जो सहायता प्रदान करता है दूसरे को और उस हेल्पिंग प्रोफेशन को जो परामर्शदाता का कार्य है उसको जो शब्द भाई आशुतोष जी ने उल्लिखित किया था आप ध्यान दीजिए उस पर कि एक क्लाइंट है और वह क्लाइंट जो है वह आता है और जैसे क्लाइंट से काम उसका करते हैं तो उसको सेवा देते हैं और उससे दक्षिणा लेते हैं ठीक उसी तरह से ये क्लाइंट और काउंसिलर का संबंध जो है वह स्थापित है और उसके एक सेशन की अच्छी खासी दक्षिणा देनी पड़ती है। और ये काउंसलिंग कैसे की जाए इसके लिए कई तरह की विशेष तरह की पद्धतियां बनी हैं और उनमें प्रशिक्षण दिया जाता है और काउंसलिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद कोई काउंसलर होता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके ज्ञान की एक विशेष पद्धति है जो कि विकसित हुई है, जो स्थापित हुई है, जो कि संस्थाकरण उसका हो चुका है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। तो काउंसलिंग की ट्रेनिंग, काउंसलिंग की टेक्निक, काउंसलिंग की पद्धति जान करके जो लोग आते हैं डिप्लोमा करके, डिग्री लेकर के, काउंसलिंग में एमए भी होता है, काउंसलिंग में पीजी डिप्लोमा भी है और ये सब पढ़ लिख करके जो आता है उसकी एक खास दृष्टि होती है। मैं इस बात को अधिक न विस्तार में जाकर के यह कहना चाहूँगा कि काउंसलिंग के कई उपशास्त्र बने हुए हैं और उनके अलग अलग मानदंड हैं और अलग अलग तरीके हैं और उनका बड़ा विस्तार हुआ है और उस विस्तार में जो परामर्श देने वाला है वह किन चरणों में आगे बढ़ेगा और जो क्लाइंट है जिसे कि परामर्श की आवश्यकता है वह कैसे उसमें भाग लेगा इसका बाकायदे कायदा कानून है, उसकी अनेक पुस्तकें हैं, ये सारी एक शास्त्र ही उसका काउंसलिंग का विकसित हुआ है और उसकी प्रशिक्षण की पद्धति है वह भी विकसित हुई है और यह एक बहुत ही एकेडमिकली मैं कहूँगा एक स्थापित विधा बन गई है और वह तो एक पक्ष है जो कि है। उन सब में जो एक प्रमुख बात है वो ये है कि काउंसलर का जो काम है वह है जो व्यक्ति है जो तथाकथित क्लाइंट है जो कि परामर्श लेने के लिए आया हुआ है वह व्यक्ति सूझ विकसित करे, इंसाइट डेवलप करे, अपनी समस्या को समझे और वह उस समस्या के समाधान के लिए कदम आगे बढ़ाए, इसके लिए तैयार करना और यह बोध, यह समझ, इंसाइट उसमें डेवलप करना, उसके मन में जो गुंजलक है, जो कंफ्यूजन है, जो तरह तरह की कठिनाइयां हैं, जो चीज उसे समझ में नहीं आ रही है, जिसे वह समस्या समझ रहा है वह समस्या है भी कि नहीं है, उस समस्या को स्पष्ट करना और उसके क्या तरीके हो सकते हैं उन पर विचार करके उसकी सहायता प्रदान करना, ये काउंसलर का कार्य होता है। तो काउंसलिंग दो व्यक्तियों के बीच सहायता प्रदान करने की एक विधा के रूप में स्थापित है और उसका एक शास्त्र बना है, उसकी तमाम पद्धतियां हैं
जो कि अंततः उस व्यक्ति में सूझ पैदा करने और मार्ग को खोजने के लिए प्रेरित करने, तैयार करने के काम में आती है। यहीं तक उसकी भूमिका है, बाकी चलना उसको पड़ेगा, काम उसको करना पड़ेगा, तमाम तरह का जो कदम उठाना है वह करेगा। तो उसके मन में जो संशय हैं, जो तमाम तरह के प्रश्न हैं, उनका समाधान काउंसलर करता है। याद है ना, गीता में अंत में कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मदच्युता। तो मोह नष्ट हुआ, संशय खत्म हुआ, यही समस्या है काउंसलिंग की, कि जो काउंसलर है वह मोह को, संशय को, जो संदेह है मन में, जो विचिकित्सा है, उहापोह है, उन सबको दूर करने का और मार्ग जो है पाने का सहायक का काम करता है। ये उसकी भूमिका है, यही उसका दायित्व है। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह हम लोगों के चिंतन से बहुत दूर नहीं है। हाँ, कुछ बातें हैं जिधर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, और वो इस प्रकार से हैं कि पूरी इस प्रक्रिया के हम तीन पक्ष देख सकते हैं, एक सैद्धांतिक, एक व्यावहारिक और तीसरा सामाजिक। मैं इसलिए इसका उल्लेख करना चाहता हूँ कि मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य की प्रकृति और मनुष्य क्या है, इसकी समझ अपने आप में यह एक बड़ी जटिल एक समस्या के रूप में हमारे सामने आती है। कहते हैं ना कि मनुते जो विचार करने की क्षमता रखता है वो है मनुष्य। तो मनुष्य की जो मेधा है, उसकी जो बुद्धि है, और वो भिन्न विकल्पों पर सोचती है और उसके अनुसार वह निर्णय लेती है, ये शक्ति उसके पास है। तो उसके मॉडल तो कई हैं, चित्त का विचार भी है और बुद्धि भी है, अहंकार भी है, मन भी है, आदि आदि, आप तमाम शास्त्रों में उनका उल्लेख पाते। तो ये व्यक्ति क्या है जो ऑपरेट कर रहा है, उसकी क्या क्या क्षमताएं हैं, एक तो ये हमें स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि यह जो मनुष्य है, आयुर्वेद में भी है कि कई चीजों से मिल करके इसका निर्माण हुआ है, और जो हम लोगों का एक बड़ा संदर्भ है, जो पंचकोश का जो विचार है कि मनुष्य शरीर भी है और उससे ऊपर अगर आप चले तो विज्ञानमय कोश भी है, आनंदमय कोश भी है। कहने का अर्थ यह है कि यह एक बहुस्तरीय रचना है और यह उन सबका एक संयोग है, और उन सबका विचार हमें करना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम कह रहे हैं कि दुख आधिभौतिक है, आध्यात्मिक है और आधिदैविक है, तो इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य की जो सत्ता है, वह जो जीव है, वह केवल भौतिक एक एनाटॉमी का स्ट्रक्चर नहीं है, वह एक मैकेनिज्म मात्र नहीं है, यंत्र मात्र नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मनुष्य ईश्वर में विश्वास करता है, वह जीवात्मा में विश्वास करता है, परमात्मा में विश्वास करता है, तो उसका सोचने का तरीका भिन्न प्रकार का होगा, उसकी दुख की व्याख्या भिन्न प्रकार की होगी, उसके सुख की व्याख्या भिन्न प्रकार की होगी। जीवन में जो कुछ घटित होता है वह कैसे समझा जाए, यही तो समस्या है, और इसी समझ में कहीं मुश्किल आती है। तो अगर गीता को आप याद करिए, विस्तार में मैं न जाऊंगा, लेकिन वहां कहा गया कि अधिष्ठान भी है, करण भी है, पांच तत्व हैं, दैव भी है। अब एक ही अहंकार या हम ही डूअर जो है, वही एकमात्र कर्ता जो है, वही सब कुछ करता है, ऐसा तो नहीं है, अनेक तत्व हैं।
तो अगर हमारे कार्य उसके परिणाम को लेकर के मन में शंका है तो उसकी व्याख्या हम कैसे करते हैं? इसका एक मॉडल हम सबके मन में होता है कि हम उसकी व्याख्या किन तत्वों के आधार पर करते हैं। ये एक तरह की थियरी कह लीजिए, इम्प्लिसिट थियरी कह लीजिए, हर व्यक्ति अपने मन में लेकर के चलता है अपने समस्या को समझने के लिए उन तत्वों का उपयोग करता है। तो सैद्धांतिक दृष्टि से मनुष्य का स्वरूप, उसकी प्रकृति, उसका जो स्वभाव है, उसका जो स्वधर्म है, हमें लगता है कि यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और यह महत्वपूर्ण आधार है जो कि पश्चिमी चिंतन से हमको भिन्न करता है, जहाँ पर एक मैकेनिकल मॉडल का उपयोग है, एक बायोलॉजिकल मॉडल का उपयोग है, वहाँ मनुष्य की चर्चा में ये सब बातें नहीं आती हैं। किसी भी मनोविज्ञान की पुस्तक में इन सब की चर्चा नहीं होगी। अब मैं उधर ध्यान भटकाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसमें मनुष्य की भी चर्चा नहीं है। मनोविज्ञान की पुस्तक में मनुष्य का क्या स्वरूप है यह प्रश्न नहीं आता है। मान लिया जाता है कि उसमें ये है, ये है, ये है, ये है, ये इमोशन है, मोटिवेशन है, लर्निंग है, परसेप्शन है, ये सब पढ़ेंगे, लेकिन एक वाक्य आपको यह नहीं मिलेगा कि मनुष्य होने का क्या अर्थ है। लेकिन अपने चिंतन में मनुष्य होने का क्या अर्थ है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। हम जब यह बात करते हैं कि हमारी उपलब्धि क्या है और हम क्या प्राप्त कर पा रहे हैं, भवति और अस्ति, क्या सुंदर विचार रखा है भाई आशुतोष जी ने। तो अस्ति और भवति के बीच का जो मार्ग है, उस मार्ग में बहुत सारे बाधाएं हैं, तमाम सारे व्यवधान उपस्थित होते हैं, और उन व्यवधानों की कथा ही तो परामर्श के लिए परिस्थिति पैदा करती है। और जो फिर मुझे गीता याद आ जा रही है, जब कहा गया कि भाई जब आप कुछ विचार करते हो, संगात संजायते, हैं पूरा हुआ जो आप पूरा पढ़िए, तो किस तरह से जो अटैचमेंट है और उस अटैचमेंट में इच्छा आपकी बनी और वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपको क्रोध आएगा। अंग्रेजी में बड़ा भारी सिद्धांत बना है, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थियरी, और ये और कुछ नहीं है जो हम इसमें पढ़ते हैं। और फिर है कि अंत में तो आदमी नष्ट ही हो जाता है, स्मृति भ्रम होता है, आप अपने को भी भूल जाते हैं कि आप क्या हो। तो जब हम काउंसलिंग के पैराडाइम की बात कर रहे हैं, उसके प्रारूप की बात कर रहे हैं कि उसका स्वरूप क्या होगा, तो हमको इस तरह के सैद्धांतिक विवेचन की भी अपेक्षा है कि हम मनुष्य का स्वरूप क्या मानते हैं, क्योंकि उसकी जो समस्याएं हैं वह कहाँ पर स्थापित है, उसका एक सिद्धांत हमारे पास है। मनुष्य जो है वह बहुआयामी है, बहुस्तरीय संरचना है, वह केवल भौतिक शरीर मात्र नहीं है, क्योंकि जो डार्विन का विचार है विकासवाद का, कि मनुष्य पशु में बहुत सारी समानता है और सर्वाइवल करने के लिए जो वह पर्यावरण की जो अपेक्षाएं है उनके अनुसार नए नए गुण विशेषताएं आ जाती हैं, और मनुष्य जो है एक जटिल किस्म का पशु है, इतना ही माना जाता है। लेकिन मनुष्य का जो स्वरूप है वो हम तो भिन्न प्रकार से अनुभव करते हैं। आप देखें कि जो चार पुरुषार्थ हैं वह पूरे जीवन को संपादित करने के सारे जो क्षेत्र हैं उन सबका समावेश अपने अंदर करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष के अतिरिक्त है क्या? कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसकी परिधि में नहीं आती है। और इन सब में मनुष्य के लिए यही कहा गया कि भाई अजरामरवत प्राज्ञ विद्यामर्थं च चिंते गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। तो कहीं ना कहीं धर्म से विमुख होना, जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन न करना, वहां जो बाधा आ रही है वह परामर्श की स्थिति को पैदा करती है। तो मनुष्य का जो स्वरूप है उसकी जो समस्याएं हैं उनका आधार क्या है, हमें इसका जो एक व्यवस्थित रूप है वह प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वह एक पक्ष हुआ या सैद्धांतिक हुआ। आप इस बात को थोड़ा और अगर विस्तृत करेंगे
तो बौद्ध विचार जो है वहां भी दुख महत्वपूर्ण है, जो आर्य सत्य हैं, सत्य हैं चार, दुख है उसका कारण भी है, निवारण भी है, उसकी पद्धति है, उसको आप खोजिए। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और जैन विचार में भी आपको इसी प्रकार की दृष्टि जो है प्राप्त होती है। तो सनातन जो चिंतन है उसमें भी, बौद्ध में भी और इन सब में भी मनुष्य का क्या स्वरूप है और उसकी समस्याओं के क्या कारण हैं, ये द्वंद्व जो है वह कहाँ पर स्थापित हैं और कहाँ जीवन में व्यवधान आ रहा है, इसकी समझ हमको विकसित करनी होगी। यह तो सैद्धांतिक आधार हुआ, जो कि अगर आप और विस्तार में जाएंगे तो आप पाएंगे कि सांख्य योग को लेकर के पूरा जो गीता का विधान हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो पुरुष प्रकृति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तमाम सारी बातें हैं उसमें, और यह भी एक जो महत्वपूर्ण विचार उसमें दिखता है और मैं समझता हूँ कि वह ग्रहण करने की बात है, कि मनुष्य की रुचि मनुष्य की प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और वह भिन्नता जो है वह उसके लक्ष्यों और उसके कार्यों उन सबको प्रभावित करती है। अब आप वर्णाश्रम न माने, लेकिन आज जो प्रोफेशन जिस आदमी का है, वकील हो, डॉक्टर हो, अध्यापक हो, आप देख लीजिए उसका जीवन किस प्रकार का घटित होता है, आयोजित होता है, उसकी समस्याएं किस प्रकार की हैं। तो हमको यह विचार करना पड़ेगा कि सैद्धांतिक आधार जो है हमारे परामर्श का क्या है, इसको अगर हम प्रशिक्षण के लिए ले आते हैं तो भी विचार करना पड़ेगा, हम पढ़ाने की बात करते हैं तो भी विचार करने पड़ेगा। और ये यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि धर्म की केंद्रिकता है इस पूरे चिंतन में और मनुष्य के स्वरूप में उसका आध्यात्मिक स्वरूप भी है, उसका शारीरिक भौतिक शरीर वाला जो स्वरूप है वो तो है ही, लेकिन उसके अन्य पक्ष भी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ये और जोर देकर कह रहा हूं कि पूरा जो वेस्टर्न मॉडल है काउंसलिंग का, वह इंडिविजुअल सेंट्रिक है, व्यक्ति केंद्रित है और वह व्यक्ति जो है बड़ा आइसोलेटेड व्यक्ति है, अलग थलग पड़ा हुआ व्यक्ति है, एलियनेटेड व्यक्ति है। मैं इसका उल्लेख इसलिए भी करना चाहता हूं कि भारतीय चिंतन में हमारे अचेतन में अभी भी कहीं न कहीं पूरे जीवन का एक खाका है, चाहे आप मानिए या न मानिए, जो चार आश्रम है वह हमारे अचेतन में आज भी मौजूद है, जो 16 संस्कार की बात की जाती है वह भी कहीं न कहीं मौजूद है, और तोड़ मरोड़ का छोटा मोटा कुछ न कुछ मुंडन तो आदमी बच्चे का करा ही देता है, नामकरण भी होता है, उपनयन भी होता है। अब कई लोग तो अब उपनयन विवाह भी इकट्ठे कर देते हैं, जब शादी में गए तो उन्होंने कर दिया, तो नाम मात्र का ही सही कहीं चेतन उपचेतन में ये सब गुजरते हुए आपको इनसे मुलाकात हो जाती है। तो विवाह संस्कार हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ के चिंतन में जीवन के घटित होने में इन संस्कारों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये संस्कार शब्द का ही जो आशय है और जीवन में जिनका महत्व है वह हमको एक भिन्न प्रकार की दृष्टि देते हैं, और उसमें जो स्खलन हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, उधर भी हमारा ध्यान आकृष्ट कराते हैं। तो ये विचार हैं जो कि मौलिक रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब काउंसलिंग की बात करते हैं तो वस्तुतः आप ये देखिए, किशोर की काउंसलिंग, जो विवाहित युवा है उसकी काउंसलिंग, जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसकी काउंसलिंग, जो वृद्ध व्यक्ति है उसकी काउंसलिंग, सब एक तरह से नहीं होती है, उनकी समस्याएं भी भिन्न प्रकार की हैं और उनको समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो एक लाइफ स्पैन का पर्सपेक्टिव हमको रखना पड़ेगा,
क्योंकि किशोर की जो समस्या है वह एक प्रकार की है, परिवार का जो स्वरूप है वह भी हमारे लिए व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण है। जब संयुक्त परिवार थे तो पालन पोषण जो है भिन्न प्रकार का होता था, और धीरे धीरे न्यूक्लियर हुए और फिर तब तो जाने किस प्रकार के परिवार हो रहे हैं, और अब तो परिवार का स्वरूप भी बदल जाएगा। अभी जो तात्कालिक चर्चा हो रही है कि समलैंगिक विवाह होंगे तो उस परिवार का क्या स्वरूप होगा वो भी आप विचार करिए। लिव इन रिलेशनशिप जो पैदा हो रही है, जो और कितनी उसमें कितने मुकदमे और कितनी हत्याएं हुई हैं आप देख लीजिए, अभी भी बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं। ये जो परिवर्तन हो रहा है ये हमारे ध्यान में, क्योंकि ये जितने भी लिव इन रिलेशनशिप है उनकी उनकी सभी समस्या ग्रस्त हैं, अधिकांश समस्या ग्रस्त हैं, और उनकी समस्याएं कहीं ना कहीं संबंधों को लेकर के हैं। व्यक्ति का जो संबंध है दूसरे से वह किस प्रकार हो, तो इसकी जो सैद्धांतिकी है उसे विचार करना पड़ेगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या होना चाहिए और क्या है, यह जो है एक कठिन प्रश्न है। कोई व्यक्ति भाई आशुतोष जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया और उधर ध्यान लोगों का नहीं जाता है कि लिबर्टी अगर आपका मूल्य है, स्वतंत्रता आपका मूल्य है, स्वाधीनता आपका मूल्य है, तो उसका आशय क्या है, क्या क्या हुआ, बिल्कुल टोटली निरपेक्ष किस्म की स्वतंत्रता कुछ हो सकती है क्या? ऐसी तो कुछ है ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अभी मैंने आज अखबार में पढ़ा कि ग्लेशियर टूट गया है, केदारनाथ की यात्रा रुक गई है। तो केदारनाथ की यात्रा, आपके पास पैसा है तो चले जाइएगा क्या ग्लेशियर टूटा हुआ है? तो कहीं ना कहीं सापेक्षता तो है। पृथ्वी पर क्या हो रहा है, पृथ्वी भी एक ग्रह है और भी ग्रह है, इस पूरे सौरमंडल में सबका आपस में क्या संबंध है, उसका प्रभाव पड़ता है, उसका असर पड़ता है। तो इस तरह से अकेला व्यक्ति सब कुछ ही का केंद्र है, यह विचार भ्रामक है, नितांत भ्रामक है। तो सैद्धांतिक रूप से भी यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भवति और अस्ति का, और जीवन के जो लक्ष्य हैं उनका, और जीवन हम कैसे आयोजित करें उसका। मैं ये नहीं कहता कि ये जो कोई विवाद हम खड़ा करें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खराब है, लेकिन प्रश्न तो यह खड़ा होता है कि जीवन को आयोजित कैसे किया जाए, इसकी जो पद्धतियां क्या हैं, कितनी तरह की जो समस्याएं आ रही हैं आरक्षण से जुड़ी हुई हैं, तमाम सारी जो नीतियां उनसे जुड़ी हुई हैं, जो भौतिक सामाजिक जीवन में जो नीतिगत प्रश्न है उनके कारण भी काउंसलिंग के लिए जो आ रहा है आपके पास या आएगा संभावित जो क्लाइंट है तथाकथित, उसकी समस्या किस प्रकार की है, संबंधों की है। संबंध जो है बहुत ज्यादा हो गए तो भी और कम हो गए तो भी आपको समस्या खड़ी हो जाती है। किशोरों की तमाम समस्याएं, किशोर की जो वयसंधि की स्थिति है, जो उसमें परिवर्तन होता है, उनसे जुड़ी हुई है। तो हमको यह विचार करना पड़ेगा कि भारतीय जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वहां पर, और भारतीय चिंतन के जो मूल्य हैं, जो पद्धतियां हैं, उनका क्या कनेक्शन है, यह विचारणीय प्रश्न है। दुर्भाग्य है कि हम बहुत सारी बातें तो विदेश की जानते हैं, लेकिन अपने चिंतन से हमारा बड़ा दूर का संबंध हो चुका है, औपनिवेशिकता के कारण हुआ है, जो हमारी पढ़ाई लिखाई की पद्धति है उसके कारण हुआ है, परंतु इनके बीज तो कहीं ना कहीं हैं, चाहे वो अचेतन में ही क्यों ना हो। तो मुझे लगता है कि जब हम भारत केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं, भारतीय चिंतन और संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो हमें यह विचार करना पड़ेगा कि करणीय क्या है, उचित क्या है, और परामर्श के लिए वह सैद्धांतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरा जो पक्ष है कि जब हम किसी व्यक्ति को परामर्श देते हैं तो परामर्श देने वाला और परामर्श लेने वाला इस परिस्थिति में दोनों का किस प्रकार का संबंध होगा।
अब मैं आपको एक वास्तविक पद्धति का उल्लेख कर रहा हूँ। एम्स में वो साइकियाट्री के प्रोफेसर थे और रिटायर हो गए, अब शायद नहीं है मेरा ख्याल है। उनका नाम है J.S. नेकी और आशुतोष जी, उन्होंने परामर्श की पद्धति विकसित की, थेरेपी की पद्धति विकसित की और उसका नाम है गुरु चेला थेरेपी। इसी नाम से, गुरु चेला थेरेपी के नाम से अंतरराष्ट्रीय जर्नल में यह उनका लेख प्रकाशित है। अब गुरु चेला थेरेपी, गुरु और चेला का जो संबंध है, गुरु और शिष्य का जो संबंध है, वह किस प्रकार का संबंध हो? शिक्षा वल्ली में और अन्यत्र बहुत सारी बातें, गुरु और शिष्य, यह एक पैराडाइम है जो भिन्न प्रकार का है। और इसका उपयोग प्रोफेसर नेकी ने मेडिकल साइंस में किया है, यह लिखित भी उपलब्ध है, मैं आपको वह लेख भेजूंगा, आप पढ़िएगा। तो ये भारतीय चिंतन के पैराडाइम से लेकर के उन्होंने इसका उपयोग किया। तो आधुनिक परिस्थिति में भी ये विचार महत्वपूर्ण है, यह ध्यान देना पड़ेगा। इसी प्रकार बहुत सारे जो संबंध हैं वो जिस परिस्थिति में विकसित होते हैं या विकसित नहीं हो पाते हैं, उनमें जो व्यवधान आते हैं, वह भारतीय जीवन पद्धति से जुड़े हुए हैं। उनको आप बाहर से ज्यों का त्यों नहीं ले सकते हैं। तो यह संवेदनशीलता इन मूल्यों के प्रति, जीवन पद्धति की इन विशेषताओं के प्रति आवश्यक होगी, यह सामग्री हमको रखनी पड़ेगी। आशुतोष जी ने हमारे समक्ष उन उदाहरणों को अत्यंत संक्षेप में प्रस्तुत किया, या कहूं मैं बड़े सूक्ष्म रूप से उनका उल्लेख किया। गीता का उल्लेख किया, युग वाशिष्ठ का, त्रिपुरा रहस्य का, दुर्गा सप्तशती का, पंचतंत्र का। इन सब में कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, इन सबको आप पढ़िए तो आपको एक एक गहन चीज, मुझे तो लगता है ऐसा, कि जो यहाँ पर पद्धति है उसका मूल स्वरूप जो है वह आख्यान पद्धति का है। ये एक नरेटिव किस्म की रियलिटी है। आप ये देखिए, सत्यनारायण कथा में भी एक कथा है जो सुनाई जाती है, और सत्यनारायण कथा में उस कथा को सुन करके आदमी को पता चलता है कि कैसा करने से क्या होता है। एक सीखने का तरीका जिसे कहते हैं मॉडलिंग, तो मॉडलिंग में किसी चीज को करने से आपको पुरस्कार नहीं दिया जाता है। आप देखते हैं, कोई कोई बच्चा देखता है कि कोई दूसरा लड़का अगर बदमाशी कर रहा है और उसके माता या पिता जो है उसकी पिटाई कर दे रहे हैं, अध्यापक पिटाई कर दे रहे हैं, तो वह बिना खुद अपनी पिटाई किए समझ जाता है कि यह करना गलत है और वो नहीं करता है। इसे मॉडलिंग कहते हैं। सोशल लर्निंग का, सामाजिक सीखने का यह बड़ा भारी आधार है कि आप देख करके, स्वयं अनुभव नहीं, डायरेक्ट आपने नहीं किया। तो ये तमाम जो अवसर हैं उन सब में आख्यान का उपयोग करना एक बहुत बड़ी पद्धति के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ है। हर एक में, चाहे वह दुर्गा सप्तशती हो, पंचतंत्र हो, योग वासिष्ठ हो, सर्वत्र आपको कथाओं का, आख्यानों का उपयोग करके समझाने का दृष्टांत जो है उपस्थित करके, और तब आपको उस समस्या के निकट लाया जाता है और आप में परिवर्तन ले आने का प्रयास किया जाता है। दूसरी बात यह है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो पाश्चात्य काउंसलर है उसका मात्र दायित्व यह है कि वह 1 घंटा बैठ के बात करता है और आपका समय खत्म हो गया, आप चले गए, दूसरा क्लाइंट आएगा, उसे वह बात करेगा, वो चला जाएगा, बस।
इसके अतिरिक्त तो उसका कोई दायित्व नहीं है। यहां पर कृष्ण, श्री कृष्ण जो है वह जिस प्रकार से समस्या को समझने में सहायक बनते हैं, बड़ी अच्छी बात आशुतोष जी ने की थी कि वह डायरेक्ट नहीं करते बल्कि इनडायरेक्टली इधर उधर से करके समझाने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं जानता, लेकिन गीता का प्रयोजन तो बहुत बड़ा है। अगर उसके लिए कहा गया कि सर्वोपनिषदो गाओ, है ना, कि सारे उपनिषद तो गाए हैं और उनका रस ग्रहण किया है और जो दुग्ध है गीतामृत वो उससे पैदा हुआ है, तो नाना प्रकार के मॉडल हैं उसमें, एक मॉडल नहीं है, तमाम तरह की पद्धतियों का उपयोग किया गया है और तमाम तरह की परिस्थितियां उसमें हैं और उसमें एक क्रम है जो कि लिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि उनकी अलग अलग पद्धतियों को समझ करके उनकी व्याख्या करने की या काम करने की हमारी जरूरत है, जो हम अभी तक ठीक से नहीं कर सके हैं। योग वाशिष्ठ में भी कथा का और आख्यान का उपयोग किया गया है, और जो अन्य मनस्कता, जो उचाटपन जिसे लेकर के श्री राम के लिए समस्या के समाधान का उपाय किया गया है, वहाँ पर सिद्धांत भी समझाए गए हैं, ज्ञान की बात भी समझाई गई है और दृष्टांत भी दिए गए हैं। दृष्टांत का उपयोग आप सर्वत्र इन सब में पाते हैं। आख्यान का आख्यान परक नैरेटिव काउंसलिंग जो है, मुझे लगता है कि यह एक भिन्न प्रकार की पद्धति है जो कि प्रयोग में विशेष रूप से लाई गई है। और जो परामर्शदाता है उसका जो संबंध है, अब अगर कृष्ण कहते हैं कि भैया तुम सब छोड़ के मेरी शरण में आ जा, शरणागत, मैं समझता हूं कि गुरु भी इसी प्रकार से पूरी तरह से विद्यार्थी के कल्याण का निश्चय उसके मन में रहता है और उसका किस प्रकार से उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो, वह जीवन में कैसे आगे बढ़े, ये उसके लिए आवश्यक होता है। अगर आप उपनिषद को देखते हैं तो वहाँ जो स्नातकों को जो उपदेश दिया गया है, वहाँ पर गुरु कहता है यान्यन वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नेतराणि, और उसके पहले है कि गुरु भी देव है, माता भी देवता है, सभी को। तो ये पोजिशनिंग जो है वह भिन्न प्रकार की है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये केवल दक्षिणा दे करके और कुछ समय तक उनसे सुझाव मांगना ये नहीं है, ये जो रिलेशनशिप है वो अधिक गहरी है। परामर्शदाता का जो दायित्व है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो योग्यता है, वह निश्चित रूप से अत्यंत व्यापक है। और शरणागत का तो एक अलग ही मॉडल है, अहम तो हम सर्व पापे, सबसे मैं मुक्त करता हूँ, तुम मेरी शरण में आ जाओ। और मैं समझता हूँ कि गुरु की शरण में जाना, परामर्शदाता की शरण में जाना, आपके पास कुछ गति नहीं है और आप वहां पर पहुंच रहे हैं, और एक बहुत बड़ा हाथ आपके सर पर, वरद हस्त आपको प्राप्त होता है। तो ये जो रिश्ता है वह आधुनिक काउंसलर से भिन्न प्रकार का है। तो आप इसे हायरार्किकल मान करके इसकी आलोचना कर सकते हैं कि भाई एक ऊंचा एक नीचा है, पर ऐसा है। यहाँ जो एक जो ग्रहण करने वाला है उसका जो समर्पण का भाव है वह महत्वपूर्ण है। हालांकि आप इसमें कई पद्धतियों का उपयोग पाते हैं। मैं समझता हूँ आशुतोष जी, अगर विभिन्न कथाओं को उपनिषदों में अगर हम पाएंगे तो वहाँ भी इसके कई मॉडल दिखाई पड़ते हैं कि गुरु ने शिक्षा देने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया। वो बेचारा गया और देखा कि पानी बह रहा है तो अपने लेट गया और पानी जो है वो रुक गया, उसका पता ही नहीं चला। बहुत सारी कथाएं हैं,
मैं समझता हूं कि वहां भी हमको काउंसलिंग के मॉडल कई प्रकार के प्राप्त होते हैं, तो खान है इसको, इसको समझने की आवश्यकता है किन किन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। ये जो पांच मुख्य मॉडल दिए गए हैं उनमें कई कई उप मॉडल भी मुझे दिखाई पड़ते हैं जिन पर विस्तार में चर्चा करने का यह समय नहीं है और न मैंने इन सब का अध्ययन करके मैंने ज्ञान अर्जित किया है, यह भी मैं दावा नहीं करता, लेकिन इनको पढ़ने की आवश्यकता है और देखने की जरूरत है कि किन किन प्रकार की परिस्थितियों में किसका उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में प्रज्ञापराध आपने सुना होगा, तो हम किस तरह की मुश्किलों में, किस तरह की झंझटों में आते हैं, कैसे तनाव पैदा होता है और किस प्रकार के द्वंद्व खड़े होते हैं, उनका आकलन भी करना आवश्यक है। किस तरह के सपोर्ट की जरूरत है और वह सपोर्ट जो है वह परामर्शदाता द्वारा किस प्रकार दिया जाता है, उसका आकलन करने की आवश्यकता है। हमारी जो वर्तमान समस्याएं हैं वह केवल भौतिक स्तर पर ही उनका समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि यह भौतिक जो है किसी ऊपर के स्तर पर, विचार के स्तर पर, चिंतन के स्तर पर, सेल्फ के स्तर पर आयोजित होती है। और ये टॉप टू बॉटम अगर कहा जाए कि जो चिंतन का जो स्वरूप है, इस विश्व को किस रूप में आप देखते हैं, समाज को किस रूप में देखते हैं, अपने को कहाँ पर आप स्थापित करते हैं, इसकी सिद्धांतिकी भी हमको विकसित करनी होगी। मैं समझता हूँ कि आरंभिक चर्चा के लिए ये टिप्पणी एक विचार के लिए कुछ मदद करने में सहायक होगी। जो विशिष्ट पद्धतियों के जो मुख्य तत्व हैं, सिद्धांत का निर्माण और जो रिलेशनशिप काउंसलर और जो काउंसिली है, जो काउंसलिंग प्राप्त कर रहा है, ये रिलेशनशिप भी हमारी अपनी जो है वह भिन्न प्रकार की है, और किन किन परिस्थितियों में किन भिन्न प्रकार के काउंसलिंग के तरीकों का उपयोग किया जा रहा है, उसका भी आकलन का कार्य जो हमने यही पर विराम लेता हूँ। मैं फिर आगे चर्चा में उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तार पूर्वक और बहुत सारे आयाम जिनका हमें बिल्कुल सचमुच अंदाजा नहीं था वो आपने हमारे सामने स्पष्ट किए और हमारे ज्ञान को व्यापक ही नहीं बल्कि सूक्ष्म भी आपने किया है, तो उसके लिए आपका आभार है। लेकिन ये आभार को मुझे लगता है कि आभार तब सार्थक होगा जब इसके ऊपर हम लोग कुछ टिप्पणियां, कुछ विचार और कुछ अलग दृष्टि से अपने अपने वक्तव्य को हम लोग प्रस्तुत करें। तो जैसा कि हमारी परंपरा ही है, आप सभी लोग आमंत्रित हैं अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए। होगी यार, जो भी आप इसके ऊपर कहना चाहें, जो भी आप टिप्पणी करना चाहें, तो आप संक्षेप में सटीक, बस इस बात को ध्यान रखें कि जो भी कहें वो संक्षेप हो, सटीक हो और उपयोगी। तो मुझे लग रहा है डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद आशुतोष जी। जी सर, सबसे पहले तो मैं आचार्य मिश्रा जी का, बहुत शब्द नहीं है एक्चुअली मेरे पास कि किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, केवल इतना ही समझ पाया हूं मैं इनसे कि मेरे को भगवद गीता को समझने के लिए इनके मार्गदर्शन की तुरंत आवश्यकता है, उसके बिना मेरा तो गुजारा नहीं होगा और इनका आशीर्वाद मुझे चाहिएगा। दूसरा सर, एक तो आशुतोष जी जब आपने प्रारंभ किया कि सांस्कृतिक मूल्यों में संवैधानिक मूल्यों में अंतर है जी, इस बारे में मैं ये परिचर्चा का, चूंकि आज विषय नहीं है हमारा केंद्र बिंदु, तो मैं ये चाहूंगा कि आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर आप एक अलग से विस्तृत परिचर्चा अवश्य रखें। जी जरूर।
और तीसरा जो एक जो मैं समझ पाया, डॉक्टर साहब उसके ऊपर प्रकाश डालें तो बेहतर होगा कि जी भगवत गीता के बारे में एक कहा जाता है कि ये जो है अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर ले जाने वाला ग्रंथ है, क्या ये सही है? मेरा इसमें जी संशय ये है कि हाँ जो ये इंग्लिश के शब्द ले लिए ना सर हमने, अटैचमेंट हाँ डिटैचमेंट, गड़बड़ वहां पर है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये कहीं नहीं कह रहे कि आप अटैचमेंट से डिटैचमेंट क्यों चले जाएं, बल्कि हाँ वास्तव में यदि आप देखें वो तो लेवल की बात कर रहे हैं कि अटैच किससे है जी जी और किससे होना चाहिए अथवा किससे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं 18वें अध्याय में आकर कि मैंने अर्जुन को कह रहे कि ये जो मैंने गीता का बता रहा है तेरे को इसलिए बताया क्योंकि तू मेरा प्रिय सखा है। तो जब वो खुद जुड़ रहे हैं, जी मेरा ये कहना है कि ये जो शब्दावली है इसको भी हम भारतीय संदर्भ में ही समझे तो बेहतर होगा, क्योंकि जब हम अपने व्यक्तिगत मोह से अटैचमेंट जिसे हम कहते हैं लोअर लेवल का, उससे ऊपर उठकर अटैच होते हैं समस्त प्राणियों से विश्व से, जिसे आमतौर पे आप डिटैचमेंट कह देते हैं, वो जी डिटैचमेंट नहीं है सर, वो वास्तव में देखा जाए तो अटैचमेंट का असीमित और व्यापक रूप है कि जहां पर जी व्यक्ति के निजी स्वार्थ समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए राइट भगवत गीता यदि आप ये कहें कि अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर है, तो फिर जो हमारी मूल्य है सांस्कृतिक मूल्य वसुदेव कुटुंबकम, जो कुटुंब जी शब्द है, क्योंकि भगवत गीता में भी देखे ना आप, तो अर्जुन को अटैचमेंट किससे है, जी जो जी उसके गोद में खड़े चाचा ताऊ मामे ससुर सबके नाम ले देते हैं अर्जुन, राइट तो इसलिए अटैचमेंट से डिटैचमेंट नहीं है सर। मैं समझता हूँ भगवत गीता लोअर लेवल के अटैचमेंट से हायर लेवल के अटैचमेंट की ओर ले जाने की बात है। राइट सर, बिल्कुल ठीक है। तो बाकी आपका वो सुझाव मैंने ध्यान में रखूंगा और उसको हम अभी टेकअप करेंगे निश्चित रूप से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। जी डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव जी जी बुद्धिस्ट स्टडीज से हैं, गया यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं, दर्शन के विद्यार्थी हैं और विशेष रूप से बुद्धिज्म के ऊपर उनकी बहुत गहरी पकड़ है। तो उनकी टिप्पणी जो है उनका वक्तव्य हमें अवश्य हाँ, चाहिए। मैं अवकाश प्राप्त कर चुका हूँ। सर विचार से तो नहीं सर्वप्रथम, हाँ ना। नहीं, सर्वप्रथम जी इस एक अच्छे उद्बोधन के लिए और आख्यान के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जी वस्तुतः हमारी समस्या सनातन है और वह एक ही प्रकार की है, समय की और अभाव की। जी और सब इन सभी समस्याओं के बीच में अगर बढ़िया से समन्वय करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो बौद्ध विषय में ये शास्त्र हो या गीता हो या कोई और शास्त्र, जी ये काउंसलिंग तकरीबन एक ही प्रकार की आती है। अब गीता की स्थिति है कि वह किं कर्तव्य विमूढ़ होकर के अर्जुन पहुंचता है श्री कृष्ण के पास, कहता है कार्पण्य दोषो निहत पहायन निहत कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः जी पुण्य धर्म सम्मूढ़ चेता। तो मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया हूं कि मैं आई एम विगल्डर्ड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, जी एंड फ्रॉम देयर ही हैज टू पुल हिम एंड मेक हिम टू फाइट इन द बैटल। तो ये उनकी स्थिति है और उनकी जो समस्या है उसके लिए वो तीन प्रकार के कार्य बताते हैं। और अभी गुप्ता जी ने जो कहा कि वो निष्काम डिटैचमेंट की बात नहीं है, वो तो और लोक संग्रह की बात बताते हैं कि हम किस प्रकार अपने कार्यों को नियोजित करके, श्री कृष्ण कहते हैं किस प्रकार अपने कार्यों को नियोजित करके हम लोक संग्रह का कार्य कर सकते हैं, और वह भी एक प्रकार का काउंसलिंग है। और लास्ट में अभी उन्होंने कहा कि जब सारी चीजें होती है और ये बताया जाता है कि किस प्रकार हम कर्म के मार्ग पर भी चल करके निष्काम कर्म की प्राप्ति करने के उपरांत भी वही कार्य करते हैं जो भक्त जी बन जी करके करते हैं, इसलिए वो लास्ट में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यजन मामेकं शरणं व्रज। और ठीक वही कार्य ज्ञान के आधार पर भी,
क्योंकि ज्यों ज्यों हम वस्तु स्थिति को समझते जाते हैं अपने गुरु के माध्यम से, अपने काउंसलर के माध्यम से, तो हम हमारी समस्याओं का प्रहण होता जाता है, और समस्याओं के प्रहण होने से हमारी स्थितियां समृद्ध होती है। अब बुद्ध के आ जाइए, वो दूसरे प्रकार की वो बात करते हैं। वो चूंकि वो एक नेचुरलिस्टिक थिंकर थे, प्रकृतिवादी चिंतक थे, अब उनके पास अनेक प्रकार के लोग गए। अभी लास्ट में अभी मैंने हर्मेनिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ अर्ली बुद्धिज्म करके मैंने एक आख्यान दिया था भुवनेश्वर में, उसमें भी मैंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार उसकी काउंसलिंग की जाती है, जो कथन हम कर रहे हैं, हाउ टू इंटरप्रेट देम इन अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे उनके पास एक औरत आ जाती है, बुढ़िया आ जाती है कि मेरे पुत्र का निधन हो गया है, अब तुम मुझे बताओ कि इसे जिंदा कर दो। वो जानते थे कि ये जिंदा नहीं हो सकती है, लेकिन उसके मन को भी शांति प्रदान करना है, और उसकी मानसिक स्थिति के अनुकूल वो कहती है कि तुम एक मुट्ठी सरसों उस घर से ले आओ जहां पर किसी का निधन नहीं हुआ। बिल्कुल सही। और वो लौट कर जब आती है तो वही स्थिति होती है, नष्ट मोह स्मृत लब्ध, उसे भी प्राप्त ज्ञान होता है कि भाई हम जो सोच रहे थे कि मृत्यु नहीं होनी चाहिए, वो तो मृत्यु अपरिहार्य है। दूसरी कहानी आती है कि एक अजगर था जो सबों को काटता था, तंग करता था। गांव वालों ने मैं कहा कि गुरुजी इनकी काउंसलिंग कर दो कि ये जो है काटना बंद कर दे। तो बुद्ध गया और कहा कि तुम क्यों सबको काटते हो। एक वर्ष के बाद लौटे तो देखते हैं कि उसकी स्थिति बड़ी विपन्न है, लोग उसे पीट रहे हैं। तो कहा कि तुम्हारी स्थिति ऐसे कैसे विपन्न हो गई। तो कहा कि आपने तो मुझे कहा था कि लोगों को काटो नहीं, ये तंग मत करो। तो उन्होंने बड़े विनोद में कहा कि मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से तो नहीं मना किया था। जी जी। तो जो उपाय कौशल्य है लोगों को कंसोल करने के लिए, लोगों को में चेतना प्रदान करने के लिए, यही तो हमारा जो है काउंसिलिंग है। यह उपाय कौशल्य किस प्रकार मनुष्य की तत्कालिक परिस्थितियों से उसे मुक्त करता है, ये दिस इज कॉल्ड द काउंसिलिंग इन द प्रॉपर कंटेक्स्ट। और तीसरी बात और लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं कि चाहे वो गीता हो या बौद्ध दर्शन हो, व्यक्ति के आवश्यकता, उसके परिवेश, उसकी सांस्कृतिक और पारिवारिक स्थिति को आकलन करते हुए ही हम उसे काउंसलिंग करने में समर्थ होते हैं। इसीलिए उसके पूर्व जैसे अर्जुन की स्थिति, बड़े इंटेलिजेंट आदमी था वो, धीरे धीरे जब मोह में था तो उसकी काउंसलिंग अलग प्रकार से हुई, थोड़ा सा उसे ज्ञान अधिक प्राप्त हुआ तो दूसरे प्रकार से किया गया, और लास्ट में जो उसे समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा कि सर्वधर्मान परित्यजन मामे अहंकुहं स्वरूपापि भिर्मोक्षयिष्यामि न मामेक। ये सबसे बढ़िया काउंसलिंग का तरीका है कि जैसे जैसे उसकी मानसिक स्थिति का उपचार हम करते हैं, तो कहा भी गया है मन एवं मनुष्याणां कारणं बंधन मोक्ष ही, तो मन से ही जो है हम अपने आप को मुक्त भी करते हैं और युक्त भी करते हैं। इसीलिए सारे काउंसलिंग में एक ही उपचार है, और दैट इज द मेंटल ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन। राइट, धन्यवाद सर इस अच्छे आलेख की आख्यान के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। यही टिप्पणी मैं चाहता था कि बुद्धिज्म के परिप्रेक्ष्य में जो है वो काउंसलिंग को कैसे लिया जाए, क्योंकि इसमें मैंने वो स्पर्श तो नहीं किए, लेकिन जो जातक कथाएं हैं वो काउंसलिंग के लिए एक बहुत बड़ा हमारा सोर्स है, उसको एडप्ट करने का तरीका देखना पड़ेगा। उस पर एक अलग आख्यान की अपेक्षा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको लेंगे। और मुझे गीता का एक श्लोक रह रह करके याद आ रहा है कि काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है, अल्टीमेटली उसको हम कैसे परिभाषित करते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भाई जब तुम्हारी मोह में कलिल फंसी हुई है, कीचड़ में फंसी हुई बुद्धि बाहर निकलाएगी, तब तुम निर्वेद को प्राप्त हो जाओगे, जो कुछ जाना है सुना है, जो कुछ तुम समझते हो। तो बड़ा खूबसूरत व्यवस्थाएं हैं काउंसलिंग की, लेकिन हम लोग कभी व्यवहार में लाते नहीं है। तो मैं इसके साथ चाहूंगा डॉक्टर रेणु द्विवेदी जी, जो बनारस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अगर वो इस विषय पे कुछ टिप्पणी करें, और उसके बाद डॉक्टर जयप्रकाश जी। डॉक्टर रेणु आप सुन पा रहे हैं? मैं
मालूम नहीं, डॉक्टर जयप्रकाश जी आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर प्रमोद वाजपेयी जी को आमंत्रित। हाँ, प्रणाम सर। जी जी मैम, आपकी टिप्पणी बहुत आवश्यक है, आप तो मनोविज्ञान पे काम ही कर रही हैं और मैडम बनारस से हैं। जी जी जी। अरे मेरा इसमें ये निवेदन है, जैसे हम लोग कभी कभी विकट परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हमारे यहाँ साधना की कई प्रणालियां बताई गई हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मयोग, इस लोगों में, किंतु इसमें हम लोग जो व्रत और उपवास करते हैं तो ये व्रत और उपवास केवल हमारे मानसिक ताप या शारीरिक शुद्धि के लिए होता है, अथवा उसके द्वारा हमारा जो चित्त है वह भी निर्विकार होता है, उस चित्त का भी कुछ बल मिलता है, उसमें भी आत्मबल की भी सृष्टि होती है। ये तप की बात हमारे यहाँ पुराणों में या बाद में कही गई है, क्योंकि प्राचीन काल में इतना व्रत को महत्व नहीं दिया गया है जितना कि पुराणों में दिया गया है, किंतु ये व्रत उपवास की जो परंपरा चली, जैसा कि प्रभु साहब, ये हमारे यहाँ पश्चाताप को अर्थ में तो जरूर ली गई है, किंतु सामान्य प्रक्रिया में, साधना की प्रक्रिया में जो हमारे यहाँ व्रत और उपवास को इतना महत्व दिया गया, उसका जो हमारे मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है, उससे जो हमको भावनात्मक संबल मिलता है, उसको लेकर के मैं जरूर आगे कुछ चाहूंगी कि ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया भी हमको मानसिक शांति प्रदान करती है, किंतु यदि हम पश्चाताप की प्रक्रिया को अपना करके या व्रत और उपवास करके या अपने आप को जो कृच्छ साधना की प्रक्रिया के प्रारंभ में उसके द्वारा जो हम करते हैं वो उसका पुराना शास्त्रों में कहाँ कितना उल्लेख है, मैं उस पर भी कुछ जरूर टिप्पणी चाहूंगी, क्या उसका कुछ संदर्भ हमको बहुत प्राचीन काल में तो नहीं मिलता है किंतु वर्तमान ये पुराणों के बाद हमें इस विषय में काफी चर्चा मिलती है, तो मैं इसके ऊपर ही अभी ज्यादा कुछ काम कर रही हूँ। और अभी मैं था ट्रेन में हूँ तो इतना मुझे बहुत समझ नहीं, आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है मैम, धन्यवाद। डॉक्टर जयप्रकाश गुप्त जी सर। जी सभी को नमस्ते। डॉक्टर जयप्रकाश जी व्यवसाय से डॉक्टर हैं, एक्चुअल डॉक्टर हैं, हमारी तरह नहीं है, वस्तुतः डॉक्टर हैं, तो उनकी टिप्पणी तो बहुत आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब। धन्यवाद प्रोफेसर आशुतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपको इतनी सारी काउंसलिंग की, अपनी जो भारतीय पद्धतियां हैं उनमें से 5 ही आपने ग्रंथ लिए, किंतु प्रोफेसर मिश्र ने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत उपयोगी हैं निश्चित रूप से, किंतु उनको व्यवहार में लाना किस प्रकार से लाया जाएगा इसमें आपका प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। हाँ, मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी ने कहा कि ये अनासक्ति का जो विचार है वो गीता का विचार नहीं होता है, किंतु मोहनदास गांधी ने गीता के विषय में जो कुछ भी लिखा या बोला होगा, जो लिखा गया है उनके बारे में, वो अनासक्ति योग की बात की है, जबकि गांधी भी आसक्त है पूरी तरह से जवाहर के प्रति। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गांधी ने तो गीता को समझा ही नहीं। दूसरी बात, एक और जो काउंसलर हैं मुझे जो दिखाई देते हैं वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से नरेंद्र को विवेकानंद में परिवर्तित किया और नरेंद्र को जिस प्रकार से एक बिल्कुल अविश्वासी को एक एक भक्त, एक विश्वासी भक्त और अपने आप को एक पूर्ण समर्पण कर देने वाले एक सन्यासी के रूप में जिस प्रकार से परिवर्तित किया, उस अनगढ़ से अल्हड़ से सन्यासी ने, वो निश्चित रूप से एक बड़ा ही दिव्य स्वरूप है हमारी संस्कृति का और हमारे ऐसे संतों का, जिनके जिनको देख करके जैसे ऐसा लगता है कि कोई विक्षिप्त है,
किंतु उसके उसका मानस कितना उदात्त है, कितना उज्ज्वल है, कितना कितना परिपक्व जी है, ये हमें देखने को मिलता है। और मुझे लगता है काउंसलिंग की जब हम बात करेंगे तो उनका उनको भी उसमें लेना अपरिहार्य रहेगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल। बाकी परिवर्तन की जगह रूपांतरण शब्द मुझे लगता है ज्यादा उपयुक्त है, कि जी उन्होंने जी जो है वो रूपांतरित कर दिया नरेंद्र जी को विवेकानंद में। परिवर्तन तो सही जी जी शब्द। सहमत। जी, ठीक है। तो इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर प्रमोद वाजपेयी जी को, और उसके बाद डॉक्टर दिनेश चहल जी हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, CLDU से, सिरसा से। जी डॉक्टर प्रमोद जी, सर सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर साहब शायद किसी बात में व्यस्त हैं। जी हेलो सर। जी, जी जी कोई और वक्ता है क्या? नहीं, और ऐसे तो नहीं है, अगर कोई टिप्पणी करना चाहेगा तो उसकी इच्छा है। अच्छा, मैं बीच में कार्य व्यस्तता में ऐसा उलझ गया कि मिश्रा जी का जो चल रहा था मेरे को बीच में छोड़ना पड़ा, और मेरे जी रुचि का विषय था तो मैं इतना सब सुन नहीं पाया सभी लोगों की टिप्पणियां। पर दो तीन चीजें कहना चाहता हूँ विशेष रूप से, कि जी जो काउंसलिंग की आवश्यकता है वो लाइफ लॉन्ग है। पहली बात तो ये निश्चित होना चाहिए। वो इसलिए है कि व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि सिर्फ भगवान ही संपूर्ण है। जो इंसान है उसमें कोई ना कोई कमियां हैं, और जी उन कमियों के चलते उसको कभी जो आपने उसको अच्छी तरह से विवेचित किया है, आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक परिस्थितियों के साथ, और इवन सामाजिक और इंट्रापर्सनल भी एक चीज है कि मतलब मनोवैज्ञानिक और अंतः मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के साथ में या स्वयं के साथ में भी कई बार ऐसा लगता है कि उसका सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, उसको समायोजन करने में दिक्कतें आ रही हैं। यानी अपना मार्ग चलाने में, अपने मार्ग को अच्छी तरह से उस पे चलने में उसको समस्या आ रही है। कुछ जो समाज है वो निरंतर बदल रहा है, ये भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चतुर्वर्ण और चतुराश्रम और चतुर पुरुषार्थ की बात की गई थी, और वो एक जिंदगी का पूर्ण दर्शन था, उसको हमेशा से ही चुनौती मिलती रही है। मैं शिवपुराण पढ़ रहा था, और वहां पर जब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए भगवान चले, तो उस समय एक दूसरी मायावी विद्या जो वैदिक विद्या से अतिरिक्त थी, उसका प्रादुर्भाव स्वयं भगवान ने किया। तो कहने का मैं जो ब्रीफली ये बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि ये जो हमारा वैदिक संस्कृति है, विशेष रूप से जो चतुर्वर्णों की और चतुराश्रम और चतुर पुरुषार्थ की व्यवस्था है, ये एक जीवन को सही तरह से चलाने की व्यवस्था थी, और इसको शुरू से ही चैलेंज होता रहा है। तो जब इसको चुनौती मिलती रही है, तो व्यक्ति को का उसी प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में वो इनके प्रति या दूसरों दूसरी बातों के प्रति या दूसरे विचारों के प्रति जो उद्यत होता है, तो उसको प्रयोग करने में कई बार उद्यत हो जाता है, और उससे उसका समायोजन बिगड़ जाता है। अगर वो समायोजन बिगड़ा है तो उसके हमारे समाज में निश्चित मानदंड थे कि उसको कैसे ठीक किया जाएगा। तो उसको लगातार, जैसे परिवार के स्तर पर माता ने डांट दिया, पिता ने समझा दिया, तो माता पिता दादी कम्युनिटी एक तरह से कह ले, तो परिवार और समुदाय एक ऐसा शाश्वत परामर्शक की तरह से थे उसके चारों तरफ, जो उसको गलतियां नहीं करने देते थे, या जी उसको कहीं भी अगर दिक्कत आती थी
अपना सामंजस्य बिठाने में परिस्थितियों के साथ में, तो उसको मार्गदर्शन भी करते थे, उसको समझाते भी थे, उसको उंगली पकड़ के चलाते भी थे, तो हर तरह से उसको सपोर्ट होता था। और जब कभी वो परिस्थिति कहीं गौड़ हो जाती थी या उस परिस्थिति में उसको 5 मिनट ठहर जाइए चालक, तो वो जो परिस्थिति को कहीं आक्षेपित होती थी तो गुरु का कांसेप्ट था। और लगभग हमारे समाज में ये कहा गया और खासतौर से वैदिक संस्कृति में कि गुरु के बिना गति नहीं है, यानी गुरु का संकल्पना अनिवार्य रूप से बताई गई है और इवन गुरु को भगवान के ऊपर का दर्जा भी हमारे संस्कृति में प्राप्त है। तो फिर लोग वहाँ पहुँचते थे और गुरु उनको मार्गदर्शन करता था, बताता था, और क्योंकि उसको निर्छिर विवेकी होता था तो वो उनको समझाता बताता था। फिर अगर वहाँ भी बात नहीं बनी तो मंदिर ज्योतिषी और वो, जैसे अभी कोई सज्जन बोल रहे थे कि गीता में जैसे वो चरण हैं, तो वो चरण यहाँ भी हैं लाइफ में भी, कि वो ज्योतिषियों के पास जाएगा कि भाई क्या कोई आदि भौतिक या आदि दैविक कोई परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको वहां से भी मार्गदर्शन मिलता था और कुछ प्रायोगिक चीजें उसको समझ में आती थी, वो करता था या उपाय करता था और ठीक हो जाता था। फिर देवी देवताओं के शरण में जाता था, मंदिरों में जाता था, वहां पर उसको ठीक हो जाता था। ये एक पूरी व्यवस्था थी जब व्यक्ति अपना जीवन यापन ढंग से करता था, और वो जो असमायोजन या कह लें कुसमायोजन था समाज में या सामाजिक परिस्थितियों का, उसको दूर करता था। अब आज की चुनौती पे आते हैं कि हमारा जितना ये वांग्मय था और जितनी हमारी ये संस्कृति थी या इवन शिक्षा थी, इस सब को तहस नहस तो जो विदेशी आक्रांता आए, कभी इस्लामिक वर्ल्ड के, कभी अंग्रेज लोग, इन लोगों ने छिन्न भिन्न किया और उनकी छिन्न भिन्नता करके और आज हमारी स्थिति ये हो गई कि हम सब चीज के लिए विदेशों में देखते हैं। मिश्रा जी कह रहे थे कि ये एक काउंसलिंग का पूरा शास्त्र है और जो अभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट या इस रूप में पढ़ाया जाता है, और वो जो लोग आ रहे हैं वो लोग अपने हिसाब से दुकान चला के और उसका काम कर रहे हैं, यानी परामर्श एक दुकान की तरह से हो गया है। मेरा मानना है कि शास्त्र उनके पास है नहीं। मैंने पढ़ा मेरे अपने कोर्सेज में केस वर्क, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और ये सब जो चलता था, ये सब वेस्टर्न नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये सब हमारा अपना शास्त्र है, हमारा, हम अपना शास्त्र भूलेंगे तो हम दूसरे शास्त्रों की तरफ हमेशा जाते हैं उनके उत्तर खोजने की दृष्टि से, तो वहां पर उत्तर मिले या ना मिले, लेकिन हमारे शास्त्रों का अगर अवगाहन किसी ने किया या जो हमारी समाज व्यवस्था थी उसमें व्यक्ति के लिए जरूर उपाय था। अब रह गया कि कैसे हम नई शिक्षा नीति और जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको इम्बाइब कैसे करें, तो हमें फिर से ये सब जो है इसको पढ़ाने में लाना पड़ेगा, जिसमें व्यक्ति को थोड़ा हमारे जो पुरातन संस्कृति है, जो उपाय हैं, चाहे जैसे आपने उनको सही बताया कि पंचतंत्र में है, हितोपदेश में है, दुर्गा सप्तशती में बहुत कुछ कहा गया है, गीता में है, बहुत जगह है, योग वासिष्ठ में है, तो उन सबको कहीं पढ़ाएं तो सही। आज संस्कृत पढ़े हुए लोग भी इनके बारे में नहीं जानते, और मैं कह रहा हूं कि जो समाजशास्त्र है वो सबसे ज्यादा भटकाव हुआ है, क्योंकि मैं बेसिकली समाज कार्य और समाजशास्त्र से नजदीकी हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि वहां परिवार की डेफिनेशन के लिए भी हमें वेस्टर्न मैकाइबर और रागमर्न की डेफिनेशन से बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, ये विडंबना है। कुल मिला के ये है कि हमें ये जो हमारा भारतीय परिप्रेक्ष्य है इसको हमें पुनः रेखांकित करना पड़ेगा और हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना इंडियन नॉलेज सिस्टम को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं लगातार कह रहा हूं और मैं आज भी इस चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि संस्कृत शिक्षण को 6th क्लास से अनिवार्य किया जाना चाहिए। ठहर जाइए, संस्कृत शिक्षण को कम से कम 6th क्लास से अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, और अगर वो अनिवार्य आप नहीं करेंगे तो इंडियन नॉलेज सिस्टम को आप पुनर्स्थापित नहीं कर सकते और व्यक्ति को भारतीयता के बारे में नहीं समझा पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तीसरी बात ये है कि जो ये वेस्टर्न मॉडल आया है जिसकी चर्चा आदरणीय मिश्रा जी कर रहे थे, मैं मानता हूं कि इसको डिस्कार्ड करने की जरूरत है। ये इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमारी, क्योंकि वो जो बना है जिसको आपने
सही उद्धृत किया है कि वो इंडस्ट्रियल कल्चर को लेकर इंडस्ट्रियल सोसाइटी को दृष्टिगत बना है, जिसमें व्यक्ति क्या कहते हैं उसको कॉन्टेक्स्ट न्यूट्रल होता है, व्यक्ति व्यक्ति होता है, उसको किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं जुड़ाव जरूरी है। हमारे यहाँ व्यक्ति एक कॉन्टेक्स्ट में है, वो कॉन्टेक्स्ट उसका मनोवैज्ञानिक है, वो उसका धार्मिक है, उसका आध्यात्मिक है, उसका सामाजिक है, उसका एक परिवेश और परिप्रेक्ष्य है, तो वहां पर तो इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं। लेकिन जब हमें किसी व्यक्ति की काउंसलिंग करनी पड़ती है तो हम सिर्फ व्यक्ति को टारगेट नहीं करते, हम परिवार और पूरे समाज को टारगेट करते हैं। हमारे यहाँ एक शब्द है, ऑफिस में बिठाओ ना, बता दिया, हमारे यहाँ एक विषय है जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन। बिना एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन के ये संभव नहीं है कि हम उसकी काउंसलिंग कर सकें, क्योंकि वो कहाँ, वो जंगल में जाके तो जो आपने उसको बताया है काउंसलिंग में या उपाय बताए हैं वो कहाँ पर प्रैक्टिस करेगा, वो एकांत में नहीं जाके करेगा, वो किसी समाज में किसी परिवार में, फॉर एग्जाम्पल फैमिली काउंसलिंग की बात कर लें, तो अगर आप एक व्यक्ति को कुछ भी कह दीजिए कि आप सीता माता बन जाइए, लेकिन सीता माता के लिए तदर्थ रूप से दूसरा राम भी तो पैदा करना पड़ेगा। जी जी जी। तो अगर हम काउंसलिंग इज नॉट यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट कि वो समाज से हटा के उसको कहें कि आप ऐसा कर लीजिए, तो समस्या ये है कि अभी जो इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन, जिसका शब्द इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन का मतलब पेड़ पौधों से नहीं है, इन्वायरमेंटल का मैनिपुलेशन का मतलब है कि जिस परिवेश में व्यक्ति रहता है उस पूरे परिप्रेक्ष्य को या पूरे परिवेश को ही एजुकेट करने की जरूरत है, काउंसलिंग करने की जरूरत है। और ये समझाना और ये इस संदर्भ में काउंसलर्स को तैयार करना, मैं आपकी बात को इंडोर्स करना चाहूंगा आशुतोष जी, कि आपने कहा कि संस्कृत के लोगों को आगे आना चाहिए, निश्चित रूप से, लेकिन जब तक हम पुराने नए अर्वाचीन प्राचीन सबको समाहित करके एक नई समाज व्यवस्था की तरफ बढ़ाने की तरफ नहीं चलेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो वो संकल्प पहली बात जरूरी है सामाजिक रूप से, और उस संकल्प की जो विचारधारा है, अवधारणा है, उस संकल्प की अवधारणा के लिए हमें समाज को बदलना पड़ेगा, परिवार को बदलना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति आपके पास काउंसलिंग के लिए आता है तो डोंट थिंक कि वो व्यक्ति आया हुआ है, आप ये मानिए कि उसका पूरा परिवेश आया है। जैसे कोई बच्चा है स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पाता, हम चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक चलाते हैं, तो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में आप बच्चे को मतलब कोई भी उपाय बता दीजिए, बच्चा कर ही नहीं पाएगा जब तक उसकी माँ को, उसके फादर को, या उसका जो ट्रिगर है वो कहाँ पर है उसको आप मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये काउंसलिंग का पूरा धरातल, और अभी तो जो इतना काउंसलिंग का भट्टा बैठा हुआ है कि हर व्यक्ति जो एडमिशन के लिए दुकान चला रहा है वो भी कह रहा जी काउंसलिंग हो रही, बताइए उस काउंसलिंग में क्या हो रहा, मतलब एडमिशन करने के लिए जी काउंसलिंग में गए थे वो जी, डॉक्टर के यहाँ एक लड़की बैठी है 12वीं 10वीं पास है वो काउंसलिंग कर रही है जी, मतलब इत्यादि इत्यादि, मतलब एक तरह से तमाशा बना दिया है काउंसलिंग नाम की चीज को, दे आर हार्डली काउंसलिंग, वो कुछ काउंसलिंग के नाम पर कुछ भी नहीं जानते। तो टू सम अप इट अप, मैं इसको ये कहना चाहता हूं कि परामर्श ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है, व्यक्ति की पूरे डिस्कोर्स को चेंज करने की प्रविधि है। इसके लिए हम अपने परिवेश और परिप्रेक्ष्य को पूरे को टारगेट करना चाहिए हमें, और इसके लिए हमें अपनी प्राचीन संस्कृति को, प्राचीन वांग्मय को ध्यान में रखना चाहिए और वहां से बताना चाहिए। एक दो बातें जरा सा और याद आ गई हैं, वो मैं लाना चाहता हूं अगर आप अन्यथा न, जैसे आपने पंचतंत्र और दूसरे हितोपदेश और इन सब की बात की है, वास्तव में मैनेजमेंट एजुकेशन ने इसको पकड़ा और वो केस स्टडी मेथड से पढ़ाना शुरू कर गए, और ये जो कहानियां हमारी थी जिनसे जिनके माध्यम से हम व्यक्ति का लाइफ चेंज करते थे उनको उन्होंने शिक्षा में ले लिया एज ए केस स्टडी मेथड, और जिन कॉलेजेज और विद्यालयों ने मतलब केस स्टडी मेथड से पढ़ाना शुरू कर दिया उनके बच्चे मार्केट स्पेस में इतने ज्यादा अच्छे प्रभावी हो गए कि उनकी नौकरियां तो करोड़ों में लगी, और जो लोग वो थ्योरेटिकल मॉडल करते रहे वो उनके 5000 की भी नौकरी नहीं लग रही, वो अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं।
मीनिंग देयर बाय कि अगर वो एक पूरा डिस्कोर्स मार्केटिंग का बिजनेस का बदल सकते हैं हमारे केस स्टडीज। आज देखिए पंचतंत्र मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आईएम्स में पढ़ाया जा रहा है, हार्वर्ड में पढ़ाया जा रहा है, तो हम समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया है ये। और अगर ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है तो हम क्यों नहीं पढ़ते पढ़ाते हैं इसको जी। हमें भी इसको पढ़ना पढ़ाना चाहिए। और हमारे यहाँ कहीं कोई स्पेस नहीं है कि हम इन चीजों को अपने टीचिंग लर्निंग डिस्कोर्स में ला सकें। तो इसको अंत करने के लिए मैं यही बताना चाहता हूँ फाइनली कि एक बढ़िया व्यापक सब्जेक्ट है और इसमें आज की तारीख में हर व्यक्ति जैसे पीपल पात सरिस मन डोला कहते हैं उस तरह से हमारा मन दिन भर, क्योंकि इतने ज्यादा स्ट्रेसर्स आ गए हैं कि गूगल से लेकर सोशल मीडिया से लेकर मार्केट से लेकर वगैरह वगैरह, तो उस स्ट्रेसर्स में हमारा मन डोलता रहता है। और हमें कोई भी ये बताने वाला नहीं है कि जितनी जरूरत है उस हिसाब से करिए या अपनी जितने चादर है उतने पैर पसारिए। तो इसके लिए क्योंकि माँ बाप तो बहुत दूर हो गए, बच्चा कहीं और पढ़ रहा, माँ बाप कहीं और है, नौकरी आप कहीं और कर रहे हैं, तो परिवार का पूरा अब तो एक्सटेंडेड फैमिली के संदर्भ आ गया है। अब तो परिवार एक जगह है ही नहीं, आपका परिवार में एक जगह एक जगह है, दूसरा बंदा दूसरी जगह है। तो काउंसलिंग को हम वर्चुअल मोड में लाना पड़ेगा, काउंसलिंग को हमें अपने पुराने सिस्टम में लाना पड़ेगा और एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में काउंसलिंग को पुनर्परिभाषित करने की और इसको समझने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के एक व्यापक विषय पर जो आपने ये अध्यवसाय किया है उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और जो सुधी श्रोताजन पार्टिसिपेंट्स इस पे जुड़े हुए हैं वो भी अपने अपने हिस्से का कुछ करें और सब लोग इस बात का जोर चलाएं कि छठी क्लास से संस्कृत का पठन पाठन शुरू हो और हमारे जो भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं और जो हमारे ग्रंथ हैं छोटे से लेकर बड़े तक, उन सबका क्रमबद्ध तरीके से शिक्षण शुरू हो और हमारी जो चतुर्वर्णीय चतुराश्रमी और चतुर्पुरुषार्थ की व्यवस्था है उसको फिर से हम इसको स्थापित करने की तरफ चलें। तभी व्यक्ति का मन तदर्थ रूप से यानी स्टैब्लिश हो सकेगा, अदरवाइज ये पीपल के पत्ते की तरह से डोलता रहेगा और काउंसलिंग एक व्यवसाय हो जाएगा जो 1,500 रुपया दे के हर सिटिंग में लोग चलते रहेंगे, सुधरेंगे फिर भी नहीं। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद सर। और ये बड़ा अच्छा सुझाव है कि भी इसके हम केस स्टडी जरूर करें और जरूर इसको टेकअप करेंगे सर, केस स्टडी वाले। जी जी, एक स्पष्टीकरण देना चाह रहा हूँ मैं। जी सर, सर डॉक्टर साहब ने जैसे कहा ना, जब मैंने अनासक्ति और आसक्ति की बात की थी वो एक संदर्भ था, वो केवल इतना संदर्भ है कि आज अनासक्ति के नाम पर व्यक्ति को व्यक्तिवादी बनाया जा रहा है और जो उसके दायित्व हैं समाज के प्रति या राष्ट्र के प्रति या पूरी मानवता के प्रति उनकी उपेक्षा की जा रही है और एक प्रकार से हमें अक्रमण्य बनाकर कर्म कांड की ओर ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। इसी बात का डॉक्टर दिनेश चहल जी, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। अब प्रोफेसर मिश्रा जी के कहने के बाद बड़ा कम बचता, और जहां आप मॉडरेटर बने हो वहां तो बहुत ही कम स्कोप रह जाता है हमारे लिए। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं सिर्फ जहाँ तक मैं गीता का विद्यार्थी हूँ, मैं उसको पढ़ता हूँ, जानता हूँ थोड़ा बहुत जो भी, तो उससे हम सोचते थे, लेकिन इतने अच्छे ग्रंथ आपने बताए कि योग वशिष्ठ भी है और सप्तति भी है, पंचतंत्र तो फिर था, लेकिन बड़ा अच्छा लगा ये है। नो डाउट गीता में अगर मैं सिर्फ कई बार मैं कम शब्दों में जब गीता की व्याख्या करता हूँ तीन शब्दों को लेता हूँ, गीता का मतलब ही तीन शब्द है वो बेसिकली, जब हम कम शब्दों में बोलते हैं, एक है हमारा जो जिसको हम करते हैं हमारा ड्यूटीज क्या है, धर्म क्या है, दूसरा वहां पे फिर जो ड्यूटीज के साथ जोड़ा गया निष्काम कर्म, और जो तीसरा सबसे जो काउंसलिंग से जोड़ के मैं देखता हूँ उसको हम बोलते हैं तीसरा वर्ड, जो अगर एक ही वर्ड में गीता की व्याख्या करनी हो वो काउंसलिंग से भी जुड़ा है, दैट इज स्थित प्रज्ञा। स्वधर्म नंबर वन, दूसरा निष्काम कर्म, और अगर मैं काउंसलिंग की परिभाषा में कहूँ तो स्थित प्रज्ञा, कि आपकी कहीं ना कहीं आपको संशय है, कहीं ना कहीं द्वंद है, और उस द्वंद से आप स्टेबल माइंड के साथ कैसे आगे जाएंगे। और पूरी अगर आप देखोगे दूसरे अध्याय में आता है जब,
70 श्लोक तक, ये सारा 53 से 70 तक, अगर पूरी गीता अगर देखोगे आगे, तो उससे आगे उसी वर्ड की एक्सप्लेनेशन, एक्सटेंशन और उसकी एक्सपेंशन ही है। स्थित प्रज्ञा कैसे चलता है, बैठता है, बोलता है, उसके रूप में फिर कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सारी वही एक्सप्लेनेशन है। तो गीता भी था, लेकिन अच्छा लगा जुड़ के आपसे 2-3 ग्रंथों का, जैसे पंचतंत्र का, गीता का मैं जानता था, बट ये योग वशिष्ठ भी हम काउंसलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, त्रिपुरा रहस्य भी यूज कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती भी यूज कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा अगर आप इनका PDF शेयर कर पाए। अब ये बिल्कुल हम अंतिम चरण में हैं, तो इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब के इस विषय में एक संक्षिप्त सी राय लूं, डॉक्टर मंजू जी आप कुछ कहना चाहेंगे या डॉक्टर राजेंद्रा जी कोई अपनी बात कुछ कहना चाहता है तो बहुत संक्षिप्त में प्लीज अपनी बात रखें। डॉक्टर मंजू, डॉक्टर राजेंद्रा और भी जिनको मैं नहीं जानता, यदि आप में से कोई अपनी बात कहना चाहता है तो स्वागत है, नहीं तो उसके बाद मैं डॉक्टर गिरीश्वर जी को संक्षिप्त टिप्पणी के लिए आमंत्रित करूंगा और उसके बाद जो इस सेमिनार की कन्वीनर हैं डॉक्टर अमिता जी वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। चलिए, मुझे लगता है अभी किसी का कोई नहीं है तो डॉक्टर गिरीश्वर जी जो है उनको मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो एक अंतिम संक्षिप्त टिप्पणी जो है इस सारे के ऊपर, एक सारगर्भित टिप्पणी जो है वो इस विषय पे रखें। सर आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर गिरीश्वर जी? हाँ बिल्कुल, मैं जी जी सर, ये हमारे लिए बड़ा उत्साहवर्धक रहा कि हमारे कई मित्रों ने बड़ा गंभीर ढंग से विचार करते हुए जो चर्चा थी उसको आगे बढ़ाया। मैं उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय रविंद्र जी ने आरंभ किया था उस पूरे चर्चा का और उसमें उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी कि हमारा विस्तार जो है आत्म का किस प्रकार होता है और हम कैसे अपने सीमित स्व से ऊपर उठते हैं, यह हमारी समस्या है। और मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, सही बात कही उन्होंने। मैं समझता हूँ कि बड़े हल्के फुल्के ढंग से अगर कहा जाए तो कृष्ण तो अर्जुन को कहते हैं कहाँ भाग रहा है, चल जुट जा काम में। ये वो भाग रहा था उसको पकड़ के ले आए, तो ये तो एक प्रकार से निष्काम कर्म का उल्टा जाता है। लेकिन हमको लगता है कि निष्काम कर्म जो है वो कर्म के डायनेमिक्स की ओर, उसकी गतिकी की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है कि हम कर्म के प्रति कैसे और सजग हो सकते हैं और कैसे उन द्वंद्वों से मुक्त हो करके कर्म के प्रति सजग हो सकते हैं जो उस कर्म में बाधक होते हैं, और कर्म ऐसा हो जाए कि अकर्म हो जाए, लगे नहीं कि हम कर्म कर रहे हैं। गीता का तो उद्देश्य यह है, तो कर्म में संलग्नता को प्रेरित करने वाला ऐसा निष्कर्म, ऐसा निष्काम कर्म हो कि कर्म जो है अत्यंत सुंदर हो जाए। तो ये तो कर्म शास्त्र है कि कर्म कर्म में कैसे जुड़ा जाए। निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं है कर्म छोड़ के भाग चला जाए, और उसके तमाम सारे बहुत अच्छे विचार उसमें हैं, लोक संग्रह की भी बात की गई। मैं समझता हूँ कि कृष्ण अपने आप में पूर्णावतार कहे जाते हैं और यहाँ भी वह मनुष्य की जो कमियाँ हैं उनको दूर करके
जो योग की पद्धति है वो एक शब्द जो बार बार गीता में आता है वो है युक्त होना। युक्त शब्द जाने कितनी बार आया है। तो जो युक्त करने की बात कर रहा है वो अयुक्त तो है ही नहीं है, वो छोड़ने वाला तो है ही नहीं है, मगर अच्छी तरह से युक्त करना चाहता है। तो अब युक्ताहार विहार भी करना है, कहीं भी आप हर जगह आप पाएंगे युक्त युक्त युक्त। तो दुख से वियोग जो है हो और कैसे हम आगे बढ़ सकें, यही योग का भी उद्देश्य है और यही गीता का भी उद्देश्य है। तो और दूसरी बात यह है कि गीता को देखने का नजरिया कई प्रकार का है, अनेक संदर्भ हैं उसके, उन सबको समेट करके जो सूत्रता अगर कोई एक निरंतरता देखी जाए, तो जैसा अभी अभी हमारे वक्ता ने बताया कि उसमें एक तो स्वधर्म है, निष्काम कर्म भी है। तो ये जो धर्म की बात तो हर जगह चर्चा में है, हमने भी उल्लेख किया था इसका। तो मैं समझता हूँ कि एक हमारी जो चिंता हमारे कई मित्रों ने व्यक्त की वह थी सामाजिक परिवर्तन की दिशा की। मैं समझता हूँ यह एक सामाजिक राजनीतिक या सांस्कृतिक आंदोलन का बहुत बड़ा कार्य है, होना चाहिए। मैं समझता हूँ यह भी कि आशुतोष का उद्देश्य उससे थोड़ा सीमित है। यहाँ उनका उद्देश्य जो है परामर्श की प्रक्रिया को भारतीय पद्धति के अनुसार कैसे समृद्ध किया जा सकता है, एक छोटा कदम है, बड़े कदम से यह जुड़ा हुआ है बड़े समाज। अब ये कि समाज ठीक हो जाएगा तब हम ये लगाएंगे, यह भी नहीं है। ये तो हर चीज साथ चलती रहेगी, किसी के बस में संपूर्ण चीजें तो होती ही नहीं है। तो इस यज्ञ में जो हमारी आहुति है वो ये है कि हम वह सीख जो कि इन विभिन्न पद्धतियों में परामर्श की पद्धति को अच्छा बनाने के लिए, और उस परामर्श की पद्धति में ही वह पद्धति भी है जो मनुष्य को नए ढंग के मनुष्य के निर्माण में भी सहायक होती है, जो हम लोगों के मन में सबकी समग्र जो परिकल्पना है कि किस तरह से धर्म केंद्रित समाज होना चाहिए और कैसा व्यक्ति होना चाहिए, उसका जो आदर्श रूप है उसमें भी हमारा योगदान होगा। लेकिन अभी हमें इस बात को खोलकर समझकर इन परामर्श की पद्धतियों को समझने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ कि इसी काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है कि इसको समझ करके हम प्रस्तुत करें कि इन पद्धतियों में क्या है जो कि तत्काल उपयोग में आ सकता है, परामर्श के अध्ययन में, परामर्श के संपादन में, और इस पूरे आयोजन को मैं एक प्रकार की जिस तरह से कहिए कि चिंगारी कह लीजिए या कि एक स्पार्क कि अरे यह रोशनी का एक जगह यह भी है, स्पॉट जहाँ पर हमको देखना चाहिए, वह ब्लाइंड स्पॉट न रह जाए, जहाँ से दिखाई न पड़े। तो ये समझता हूँ मैं कि ये पूरा आयोजन इसी दिशा में हमको प्रेरित कर रहा है। हमारे आदरणीय मित्रों ने उन विस्तृत पक्षों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया, और सही बात है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न हमारे सामने हैं, वो राजनीतिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन मूल्यों को लेकर के भारतीय चिंतन में चर्चा होती है वो ऐसे हैं जिनका कोई और जवाब है नहीं, और वो सचमुच शाश्वत के मूल्य हैं, चिरंतन मूल्य हैं, और हमें लगता है कि उनको भी स्थापित करने में ये पद्धति जो है वह उपयोगी होगी। ये दीन दृष्टियों से हम व्यापक स्व का, आत्म का या सेल्फ का विचार जो है वह इसमें अगर हम रख करके चलते हैं और इन पद्धतियों का उपयोग करते हैं, इस पर काम करने की आवश्यकता है। मैं तो यही कह करके विराम लूंगा और एक बार पुनः आशुतोष जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि इस ओर हम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जिधर हमने ध्यान नहीं दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।
और आप लोगों की बात से मेरे मन में अगला जो विचार आ रहा है वो ये है कि इसके ऊपर हम एक वर्कशॉप करें और केस स्टडीज जो हैं वो करने की कोशिश करें। ये जो पांच हमने पद्धतियां सामने रखी हैं इनको पढ़ें इस दौरान, और फिर उसके बाद जो है वो केस स्टडी लेकर के इनके ऊपर हम काम करें और इसको जो है वो थोड़ा एक पूरा प्रॉपर इसको मॉडल की फॉर्म दें और एप्लीकेशंस इसकी देखें कि कैसे हम कर सकते हैं केस स्टडीज के माध्यम से। मैंने एक बात कहकर के मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अमिता जी को कि जब मैंने ये काम कर रहा था, क्योंकि ये 10 साल पुराना काम हो गया लगभग, तो तब मैंने अपने कॉलेज में ये शुरू करने की कोशिश की थी काउंसलिंग, और उसमें जो बच्चे रेगुलरली इररेगुलर रहते थे उनको, और जो बड़े वायलेंट बच्चे होते थे, लड़ाई झगड़े अब तो बहुत कम हो गए लेकिन वो जो वायलेंट होते थे उन दो बच्चों की इस तरह से काउंसलिंग करने की कोशिश शुरू की थी। कुछ डाटा भी जनरेट किया, बनाया भी, लेकिन फिर वो और तरह की बातें आगे आ जाती हैं तो वो सब ठप हो गया। लेकिन मैंने ये देखा, उस अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि ये पुस्तकें बहुत सहायक हो सकती हैं, लेकिन हमारी दृष्टि खुलनी चाहिए। हमारी दृष्टि संकुचित हो जाती है, वो गड़बड़ है, अन्यथा बहुत कुछ है करने को। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर प्रमोद वाजपेयी जी के सहयोग से निश्चित रूप से हम कोई ना कोई कार्यशाला इस विषय पे आयोजित करेंगे कि ये जो पांच पद्धतियां हैं इनको कैसे हम प्रैक्टिस में ले करके आ सकें। तो अब मैं मैडम अनुभव कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं यही आपकी बात को आगे करते हुए कहना चाह रही हूँ कि ये मुझे भी याद है कि 10 साल पहले के करीब जब आपने ये सर्टिफिकेटेड कोर्स और अप्लाइड इंडियन साइकोलॉजी की बात की थी कार्यशाला के रूप में, तब हमने भी गुरु नानक खालसा कॉलेज में आप ही के सहयोग से करने की कोशिश की थी, और लगभग 10 बच्चे एक कोर्स में आते थे, और वो ऐसे बच्चे होते थे पूरे कॉलेज में से जो रियली कुछ करना चाह रहे थे या जो काउंसिल के क्षेत्र में या इस तरह की कोई समस्याएं होती थी वो लेकर आते थे, और उसको हम जो आपकी शीट थी क्वेश्चनर बनाए हुए थे इस तरह जो भी चीजें थी वो हमने उनको बताई, और वो उत्साहित रहते थे उसको करने के लिए कि हम ये पूरी फिल करें और इस तरह की केस स्टडी करें। ये लगभग 3 या 4 साल कोर्स चला होगा, लेकिन मुझे लगा कि ये फ्रूटफुल है, और आपका सहयोग रहा और आप सभी विद्वजनों का, वाजपेयी सर का और अमिश्रा जी का, तो हम इसको अपने अपने कॉलेज में करने की सोच सकते हैं सर, आपके मार्गदर्शन में ही। बिल्कुल शुक्रिया, और इसको जरूर टेकअप करेंगे, इसको कार्यशाला का रूप देंगे, पहले हम लोग अपने को ट्रेन करें और फिर उसके बाद इसको हम लागू करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अमिता रेडू जी को, जो कि अध्यक्षा हैं संस्कृत विभाग की, और इसकी जो इस वेबिनार की जो है वो कन्वीनर हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, और इसके बाद हम एक सूचना के साथ आज का कार्यक्रम पूर्ण करेंगे। डॉक्टर अमिता जी। सभी विद्वजनों का मेरा नमस्कार। वायु पित्तम कफश्च उक्तः शारीर दोष संग्रह मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तमः एव। सर मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये लो सर आवाज आ रही है मेरी? जी, बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ। नमस्कार सभी विद्वत जनों को मेरा नमस्कार। अनुभव एक मिनट देखना, कुछ हो गया। नहीं, ठीक आ रहा है। नहीं, आप बोलो। वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शारीर दोष संग्रह मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तमैव च प्रशाम्यत्य औषधैः पूर्वो दैव युक्ति व्यपाश्रयैः मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। आयुर्वेद में मानसिक रोगों की चिकित्सा के साधन हैं आत्मज्ञान, शास्त्र ज्ञान, धैर्य धारण करना, स्मरण शक्ति और समाधि, अर्थात मन को अपने विषयों से हटाकर एकाग्र करना। मानस रोगों को शांत करने के लिए धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर का यथोचित समन्वयात्मक ढंग से पालन करना चाहिए, ये हमारे आयुर्वेद में बतलाया गया है। साथ ही मन की स्वस्थता ही मनुष्य को स्वस्थ रखती है।
कहा भी है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्यों के रोग सहित होने और रोग रहित होने का कारण है। मनोबल के विकास के कारण विकास के साथ ही उसको आश्वासन देना, धैर्य बंधाना, रोग को तुच्छ बताकर रोगी को रोग का प्रतिरोध करने योग्य बनाता है और मनोबल के प्रबल होने से ही चरित्र का निर्माण होता है और चरित्र निर्माण से ही रोगों का अवक्षय स्वाभाविक है। आजकल की जीवन शैली, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, सब कुछ पा लेने की इच्छा युवा पीढ़ी में अनेक प्रकार की मानसिक कुंठाओं को जन्म दे रही है और यही मानसिक विकारों का कारण बन जाती है। हम हर रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि युवा किसी न किसी कारण से आत्महत्या कर रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास ना करने का, कुछ जो प्राप्त करना चाहते हैं उस वांछित को प्राप्त न करने का कारण हमारे युवा वर्ग को गलत मार्ग अपनाने की तरफ प्रेरित करता है। आजकल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि अमेरिका के हाई स्कूल में लगभग उन्होंने 2021 में लगभग हर तीसरी लड़की ने आत्महत्या का विचार किया, उसके मन में हर तीसरी लड़की के मन में आत्महत्या का विचार आया। तो ये सब विचार जो युवा पीढ़ी के मन में आ रहे हैं, ये सब उनके मानसिक कुंठाओं का, मानसिक विकारों का ही कारण है। तो इसको हम काउंसलिंग के माध्यम से ही हम दूर कर सकते हैं और मैं इस विषय के लिए हमारे वक्ता डॉक्टर गिरीश्वर मिश्रा जी, उनको उनके उद्बोधन के लिए अत्यंत आभार व्यक्त करती हूँ और उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही विस्तार से हमें कि युवा वर्ग के और मानसिक विकारों को हम दूर करने के लिए क्या प्रयत्न कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इसके लिए मुख्य रूप से उन्होंने चार टेक्निक्स हमें बताई कि थेरेपी, काउंसलिंग, गाइडेंस और सेक्रेटरी। और उन्होंने एक चीज हमें और बतलाई कि परामर्श जो है वो एक हेल्पिंग प्रोफेशन है, कि ये हेल्प करता है व्यक्ति को अपने मानसिक विकार से निकालने का। काउंसलिंग वो कहते हैं कि एक शास्त्र है जो उस व्यक्ति को प्रेरित करता है कि व्यक्ति अपने मन के संशय को दूर करके अपने आप को प्रिपेयर कर सके, अपने आप को जो है इस विकार से निकाल सके। कार्य व्यक्ति को स्वयं करना होता है, लेकिन काउंसलर सिर्फ एक सहायक के रूप में कार्य करता है, वो सिर्फ उसकी काउंसलिंग करता है, वो उसको उसकी कुंठा से निकालने का प्रयत्न करता है। साथ ही उन्होंने हमें बताया कि किशोर, युवा, गृहस्थ और वृद्ध, किसी की भी हम काउंसलिंग जिसकी भी करते हैं उनकी काउंसलिंग अलग रूप में होती है, सबकी काउंसलिंग एक तरह से नहीं हो सकती, हर एक के लिए काउंसलिंग की अलग टेक्निक का हम प्रयोग करते हैं। और सर ने एक चीज और हमें बताई कि ये हमारे ग्रंथों में भी है, उन्होंने कहा कि प्रोफेसर ने कि जिन्हें गुरु चेला थेरेपी जो वो दी कि उसके द्वारा जो है हम गुरु चेला थेरेपी, हमें लगता है हमें सभी को हमारे कॉलेजेस में, हमारे इंस्टीट्यूट्स में जरूर करनी चाहिए। वैसे हम टाइम टू टाइम करते भी रहते हैं अपने, हम गर्ल्स कॉलेज में हैं और हम अपनी छात्राओं को हर हफ्ते जो है इस काउंसलिंग, अपनी क्लास में भी काउंसलिंग करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और कही कि आख्यान परक पद्धति, कि सोशल लर्निंग आख्यान परक पद्धति का भी उन्होंने वर्णन किया कि इसके द्वारा भी हम काउंसलिंग जो है कर सकते हैं कि दृष्टांत से। तो इस तरह से इनकी जो है इन्होंने काउंसलिंग की जो हमें टेक्निक्स दी हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि हमारे पाश्चात्य काउंसलर्स जो हैं सिर्फ सिटिंग दे करके और एक घंटा सिटिंग देकर उनको भेज देते हैं, लेकिन हमारे भारतीय शास्त्र में जो पांच पद्धतियां हैं जिनका जिक्र आशुतोष ने भी किया है, गीता पद्धति है और दुर्गति पद्धति है, पंचतंत्र पद्धति है, कि हमारे पास पांच ये पद्धतियां हैं, उसके अतिरिक्त भी परामर्श हमारे पास सिद्धांत हैं, तो हम उनके जरिए इस उनके माध्यम से काउंसलिंग कर सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आशुतोष जी का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, वो हमेशा कोई ना कोई ज्वलंत समस्या लेकर के हमारे सामने आते हैं और हमें जो है चर्चा परिचर्चा के माध्यम से उस समस्या का निवारण करने का पूरा प्रयास करते हैं और हम चाहते हैं कि हमेशा ही इस तरह से हम प्रयत्नशील रहते हैं और हमें भी इसी रूप में लगा के वो प्रयत्न में रखें।
धन्यवाद सर, धन्यवाद डॉक्टर गिरीश्वर मिश्रा जी, धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष जी। इसके साथ ही साथ जो चर्चा परिचर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अविनाश जी, डॉक्टर रेणु जी, डॉक्टर जयप्रकाश जी, डॉक्टर प्रमोद वाजपेयी जी, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और मैं डॉक्टर प्रमोद वाजपेयी जी की इस बात का अनुमोदन करती हूँ कि हमें सिक्स्थ क्लास से ही संस्कृत पढ़ाई जानी आवश्यक है। हम जब छोटे होते थे तो सिक्स्थ क्लास से कंपल्सरी थी, और क्योंकि बिल्कुल हम नए बच्चे को संस्कृत नहीं पढ़ा सकते हैं तो सिक्स्थ क्लास से संस्कृत जरूर लगनी चाहिए। इसके ये प्रयत्न जो हम करें तो उससे हम संस्कृत को बढ़ावा दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन, धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर अमिता जी, धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आपका धन्यवाद। कल की एक सूचना के साथ आज का हम ये कार्यक्रम यहीं पे पूर्ण करेंगे। कल बुद्ध पूर्णिमा है और मेरी आवाज गूंज रही थी, एनीवे कल बुद्ध पूर्णिमा है और हम लोगों ने विचार किया है कि कल बुद्ध पूर्णिमा पर एक विषय जो है वो हम रखेंगे। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, सर आ रही है। ओके, इधर अब ठीक है। तो कल हमने जो विषय रखा है, अगर आप लोग समय निकाल सकें और अपना उत्साह बनाए रखें तो अच्छा रहेगा। इसी समय पे 10:30 बजे इसी लिंक पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिकोडिंग बुद्धा इन 21st सेंचुरी, संस्कृत शास्त्रीय पर्सपेक्टिव। और उसमें जो मुख्य वक्ता रहेंगे डॉक्टर रमाकांत आंगिरस रहेंगे, तो लगभग घंटा डेढ़ घंटे की वो परिचर्चा रहेगी और समझने का प्रयास करेंगे कि बुद्ध जो हैं उनको इस सेंचुरी में, सदी में कैसे समझें, कैसे डिकोड करें। और अगर आप लोगों का उत्साह बना रहा तो ज़रूर आप उसमें सहयोग करें, उसको सुनें और समझें और प्रश्न करें। तो ये सूचना थी कल के लिए। हालांकि समय बहुत थोड़ा है और इतनी जल्दी जल्दी जो है वो ज्ञान चर्चाएँ जो हैं वो उसके लिए हम लोग तैयार नहीं होते लेकिन एक बात को जरूर हम समझें, अंतिम बात कह रहा हूँ कि उत्साह और उत्तेजना में बड़ा फर्क होता है। काउंसलिंग की जरूरत उत्तेजना में पड़ती है क्योंकि उत्तेजना के बाद आपकी इंद्रियां ढीली पड़ जाती हैं और आपका शरीर जो है वो शिथिल पड़ जाता है, मन डूबता है। ये इस उत्तेजना की वजह से, उत्तेजना जब शांत होती है तो आपकी सारी शक्ति का अव्यय हो चुका होता है, तो काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उत्साह में ऐसी आवश्यकता नहीं होती। अगर आपका उत्साह बना हुआ है, सात्विक भाव में रह रहे हैं, तो उत्साह बना रहेगा और निरंतर आप ज्ञान चर्चा में लीन रहेंगे। तो इसी शुभकामना के साथ आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी कॉलेजेस हैं और जितने भी सदस्य हैं उन सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने कॉलेज का नाम, अपने प्राचार्यों का नाम हमारे साथ जोड़ा और इस विषय को, इस दायित्व को ग्रहण किया है कि हम ज्ञान चर्चा के माध्यम से जो है अपना विकास करेंगे, अपनी दृष्टि विकसित करेंगे, सूक्ष्म करेंगे। तो आप सब लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ, अपना फॉर्म भर दिया होगा। मैडम मीनाक्षी ने जो है वो चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है। आप अपने छात्रों से भी इसको भरवा सकते हैं ताकि उनको भी सर्टिफिकेट मिल सके। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार पुनः आभार, बहुत बहुत आभार सभी श्रोताओं का, प्रतिभागियों का और विशेष रूप से प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी का। दोबारा से मिलेंगे इसी विषय के ऊपर, फिर चर्चा करेंगे निकट भविष्य में कि किस तरह से कार्यशाला को हम इस आयोजित कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। मैं तो आपका उपकार, कैसे आपका उपकार को क्या कहूँ मैं मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। आप हमेशा मेरे को उपकृत करते हैं, तो मन तो करता है कि कभी आपको जो है कुछ समर्पण करूं, क्योंकि कहते तो हैं कि कभी भी रिक्त पानी नहीं जाना चाहिए गुरु के पास। तो पुराने जमाने में तो वो तीन संविधाएं, त्रिसमित पाणी जो था वो लेकर के जाते थे, तो मैं भी किसी दिन आपके पास त्रिसमित पाणी के साथ ही आऊंगा ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप लोग छोड़ सकते हैं और कल फिर मिलते हैं दोबारा जी। थैंक यू एवरीवन। डॉक्टर गुप्ता जी, थैंक यू सर बातचीत को आरंभ करने के लिए।